Everyone, welcome to the session. This is Deepika Awasthi. I welcome all of you to learn all the important grammar rules. तो इस टॉपिक में आपने एक वर्ड फोकस किया होगा इम्पॉर्टेंट, राइट? तो एग्जैक्टली ऐसे क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आज हम करने वाले हैं, जो इससे पहले आपने शायद नहीं किए होंगे? तो ऐसा कोई नया रूल तो नहीं है, बट येस, बहुत सारी ग्रामर बुक्स में ये आपको 100 से ज़्यादा रूल्स मिल जाएंगे, बट एग्ज़ाम्स, एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स या कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स की जो हम तैयारी करते हैं, तो कुछ 20 से 25, 30 रूल्स ही चेक किए जाते हैं. सो दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ फॉर बिगिनर्स हु आर स्पेशली लर्निंग ग्रामर और वॉन्ट टू लर्न ग्रामर फॉर कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स, राइट? उनके लिए ये सेशन है. ऑल्सो इट्स अ बिगिनर फ्रेंडली सेशन रैदर देन समवन हु इज़ एडवांस लेवल, बिकॉज आपको ये रूल्स तो पता होंगे ही होंगे, बट इनको किस तरह से चेक किया जाता है आप उसका रिविजन डेफिनेटली मेरे साथ इस पर्टिकुलर सेशन में कर सकते हो. बिफोर वी रियली स्टार्ट एवरीवन, आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू अ क्वेश्चन. क्या सिर्फ ग्रामर के अगर हम सारे रूल्स जान लेंगे तो क्या उससे हमारे सारे आंसर सही आ जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज ऐसा कई बार होता है विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि उन्हें ग्रामर रूल्स तो बहुत आते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे ग्रामर के वीडियोज देखे हैं, बहुत सारे बुक्स रीड किए हैं, बट फिर भी कई बार सब कुछ सही नहीं होता है. तो ऐसा क्यों? क्या कुछ और भी है जो हमें पता होना चाहिए ग्रामर के अलावा? तो पहले तो ग्रामर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आएगा, आप बेसिकली आप रीड ही नहीं कर पाओगे, तो आगे ग्रामर रूल्स कैसे अप्लाई कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल हियर. लेट्स ईट बिली. तो मैं यहाँ बोल रही हूँ बिली को खा लेते हैं, बट नहीं, मेरा मतलब है हे बिली, लेट्स गो आउट एंड ईट, या लेट्स ईट समथिंग, कुछ लेट्स ईट लंच. For example, let's have lunch. तो meaning actually कुछ और है जो एक comma मुझे लगाना पड़ेगा to convey that meaning, isn't it? So grammar अपने आप में 70-80% important है when it comes to learning a language, to speak or just for any aptitude exam. Now coming back to my question, कि क्या सिर्फ grammar से हो जाएगा? नहीं, सिर्फ grammar से नहीं होगा. आपको grammar के अलावा और दो चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि mainly मैं इस particular session में cover करूँगी. वो क्या है? मीनिंग. जब तक आपको एक सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ आएगा, यू मे अप्लाई रॉन्ग ग्रामर रूल्स. और हाउ डू इवन नो विच रूल टू अप्लाई, है ना? ऊपर लिखा तो नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट हम चेक कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर, राइट? एक चीज़ को बोलने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं, बट वॉट इज़ द राइट स्ट्रक्चर? कई बार लोग अपनी लोकल लैंग्वेज को ही उस तरह से वर्ड बाय वर्ड कनेक्ट करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, बट दैट्स नॉट हाउ यू नीड टू और यू शुड स्पीक आइडियली, इज़न्ट इट? सो इन तीनों चीज़ों पे फोकस करेंगे हम आज के सेशन में, ग्रामर, मीनिंग एंड स्ट्रक्चर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मॉडिफायर प्लेसमेंट. अब जो वर्ड मॉडिफायर है, इसका मतलब क्या होता है? चेंज, है ना? मैं आप किसी टेलर को बोलते हो ये थोड़ा सा जो आपने सिला है कुर्ता, ये थोड़ा मॉडिफाई कर दो, इसका डिज़ाइन मॉडिफाई कर दो, मतलब चेंज कर दो. सो मॉडिफायर यहाँ पे ग्रामर में किस तरह से चेक होता है और ये क्या रूल है? सो मॉडिफायर मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस. फ्रेजेस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे, किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हो, उस इन्फॉर्मेशन को हम मॉडिफायर बोलते हैं. ना मॉडिफायर प्लेसमेंट का रूल है कि आपको सब्जेक्ट और जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, नाउन और सब्जेक्ट और जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, इट शुड अपीयर डायरेक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आसपास होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर. रनिंग फॉर सेफ्टी, ये क्या एक इन्फॉर्मेशन है? हु इज़ रनिंग फॉर सेफ्टी, ड्रैगन और टाउन्स पीपल? टाउन्स पीपल आर रनिंग फॉर सेफ्टी, तो आइडियली ये जो सब्जेक्ट है ये इधर होना चाहिए, टाउन्स पीपल. सो येस, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, रनिंग फॉर सेफ्टी The towns people fled from the chasing dragon. तो ये सही हुआ, isn't it? Because first sentence में subject और उसकी information बहुत दूर दूर है. Now let's apply this concept and practice in 3 more examples. ये please ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद मैं आपका एक 5 questions का छोटा सा quiz लूँगी on the same concept. Wagging its tail. अब tail मतलब like you know, tail किसकी होगी इधर पे? Wagging its tail, right? ये एक information है. पपी की होगी. अब पपी जो इन्फो है वो कितना दूर है अपने सब्जेक्ट से, है ना? तो इट शुड बी आइडियली द पपी ग्रीटेड एलिसन, इजंट इट? द पपी ग्रीटेड एलिसन, ऐसा ही होना चाहिए. ओके, द एक्टर यूज्ड मेकअप, अ मैन इन हिज अर्ली 30s. तो एक्टर कॉमा अ मैन इन हिज अर्ली 30s और फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन आएगी, यूज्ड मेकअप टू अपीयर ओल्डर फॉर हिज रिसेंट रोल. आई रिपीट, द एक्टर कॉमा अ मैन इन हिज अर्ली 30s कॉमा used makeup to appear older for his recent role. Third example, the stadium was renovated in 2015 where the football team plays. कहाँ खेलती है? 2015 में खेलती है? नहीं, the stadium.
सो द स्टेडियम वेयर द फुटबॉल टीम प्लेज वॉज रेनोवेटेड. फिर जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाद में आएगी. वॉज रेनोवेटेड इन 2015. करेक्ट एवरी वन. नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. एग्जाम्पल वन, द जिराफ स्लीप फॉर ओनली 30 मिनट्स ईच डे, ऑफन इन टॉल ग्रेसफुल इंटरवल्स ऑफ जस्ट अ फ्यू मिनट्स. अगर आप नोटिस करो, placement of tall and graceful is really changing in almost every option. First of all, यहाँ पे करना क्या है, अगर आपको लगता है ये sentence अपने आप में सही है, इसमें कोई grammatical error नहीं है, कोई mistake नहीं है, तो आप option A choose कर सकते हैं, no change. पर अगर आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया, तो option B, C, D में से आपको एक option choose कर सकते हैं. So tall and graceful यहाँ पे क्या होगा या कौन होगा? It has to be giraffe, right? It can't be 30 minutes or day or intervals, isn't it? So option B अपना सही answer हो जाता है, right? वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. द ओशियन अ सी स्लग. सी स्लग मतलब एक तरीके का सी एनिमल समझ लो आप, इन सिंपल वर्ड्स. सो ओशियन कोई सी एनिमल नहीं है, तो अपने आप में ऑप्शन ए गलत हो जाता है. करेक्ट, ओशियन कंटेन्स ब्लू ड्रैगन. वॉट इज ब्लू ड्रैगन, राइट? इट्स अ सी स्लग, यही एक सी. तो ये जो सब्जेक्ट और उसकी इन्फॉर्मेशन है इतना दूर दूर क्यों है, तो ये भी गलत हो जाता है. द ओशियन कंटेन्स द ब्लू ड्रैगन न्यूडीब्रांच अ सी स्लग, राइट? दैट स्टील्स सिंगिंग सेल्स फ्रॉम इट्स प्रे. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आसपास है, तो ये ठीक होगा. द ओशन विद स्टील स्टिंगिंग सेल्स. ओशन इज नॉट स्टीलिंग एनी स्टिंगिंग सेल्स, करेक्ट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. When newborn parents or children find an animal stranded without its mother, they sometimes bring it home to take care of it. तो मतलब जब parents को या उनके बच्चों को कोई एक animal मिलता है, like you know, animal मिलता है without its mother, तो वो उसे, तो आप कोई बड़ा animal तो ले नहीं आओगे कि भाई ये अपने mother के बिना, चलो घर ले जाते नहीं. एक छोटा animal, एक newborn animal जब आपको मिलेगा तभी आप उसको लेके आओगे, isn't it? So B. A lot of people quickly like end up choosing this क्योंकि newborn children है. But newborn children, for example, 1 month old baby है या 6 months का भी है, चलो वो थोड़ी ना बाहर जाके एक एनिमल को लेके आ पाएगा. सो इट डज नॉट मेक सेंस. मीनिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज मच एज ग्रामर, एवरी वन, राइट? सो जब पेरेंट्स या चिल्ड्रन को एक न्यू बॉर्न एनिमल मिलता है विदाउट इट्स मदर, तो वो उसे ले आते हैं. अगर आप फोकस करो तो न्यू बॉर्न का ही जो प्लेसमेंट है वो हर जगह पे चेंज हो रहा है. तो न्यू बॉर्न आइडियली मीनिंगफुली एनिमल के लिए आना चाहिए. यस, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी वन. स्टूडेंट्स हु फ्लुएंटली लर्न टू स्पीक अ सेकेंड लैंग्वेज रिसीव स्पेशल ऑनर्स व्हेन दे आर ग्रांटेड हाई स्कूल डिप्लोमास. यहाँ पे फ्लुएंटली की प्लेसमेंट अगर आप देखो तो दैट इज चेंजिंग. अब फ्लुएंटली एग्जैक्टली कहाँ आना चाहिए, दैट यू हैव टू फिगर आउट. सो फ्लुएंटली अगर आप सोचो तो वॉट डू वी डू फ्लुएंटली? आई स्पीक फ्लुएंटली. कैन यू रन फ्लुएंटली? कैन यू गिव समथिंग फ्लुएंटली? नो, यू कॉन्ट ग्रांट एनीथिंग फ्लुएंटली. Isn't it? Fluently granted? No. Right? You can only speak fluently. So they learn to speak this language, second language, first language, jo bhi language hai, fluent. They learn to speak fluently. You don't fluently learn to speak. Right? Why not A? Main agar bolun, I fluently learn. Ya chalo, I fluently speak, for example. And I speak fluently. तो इनमें से कौन सा सही है, राइट? एल वाई वर्ड्स हमेशा वर्ब, ये वर्ब है आपका. अब उसके बाद आप डिस्क्राइब करोगे हाउ डू आई स्पीक. आई स्पीक क्विकली, आई स्पीक फ्लुएंटली, आई स्पीक स्लोली, कैसा कैसा बोलती हो वो आप फिर बाद में उसको डिस्क्राइब करोगे, इज़न्ट इट? सो आई स्पीक दिस लैंग्वेज फ्लुएंटली. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, although Felix did his best to train them as postal workers, who did he train? किसको ट्रेन किया गया है, राइट? सो आप देखो, क्या वो डिलीवरीज को ट्रेन करेगा? नहीं. मेल को नहीं, ऑर्डर्स को नहीं. कैट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, हाँ, उनको एज पोस्टल वर्कर्स. एटलीस्ट इन चारों में तो यही बेस्ट लग रहा है ना? ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एवरीवन, वर्ब टेंस. अब टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. टेंस तो सारे ही जगह पूछा जाता है. किसी भी आप एग्जाम में देख लो, आपको टेंस पूछा जाता है. टेंस में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है. पहले तो वर्ब्स, राइट? फर्स्ट, वर्ब्स कैसे होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई. अगर मैं बोलती हूँ आई एम टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल, तो टीचिंग तो मेन वर्ब है ही. आई एम सिंगिंग, आई एम प्लेइंग, तो ये तो मेन एक्शन, मेन वर्ब है ही.
बट एम भी एक तरीके का वर्ब है जिसको हम हेल्पर वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे बोलते हैं, राइट. अगर मैं बोलूँ आई वॉज टीचिंग या आई विल टीच, ये सारे वर्ब्स को जिससे हम मुझे टेंस पता चलता है कि प्रेजेंट है पास्ट है, उन सब वर्ड से को भी, जिन वर्ड से पता चलता है उन सब वर्ड्स को भी हम हेल्पर वर्ब्स बोलते हैं. अब टेंस मेनली तीन टाइप का होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और ये फर्दर डिवाइड होता है 12 टाइप्स में, सिंपल पास्ट, राइट, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस. आप इसे प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस कुछ भी बोल सकते हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करता. अब अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो मेनली तीन तरीके के टेंस ज़्यादा चेक होते हैं. दैट इज़ आई विल टेल यू राइट नाउ. दैट इज़ आई रैन, आई हैड रन एंड आई हैव रन. अगर आपको इन तीनों में डिफरेंस पता है तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो आप सही से अटेम्प्ट कर पाओगे और आपका आंसर सही होगा. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बोलूँ आई हैव डन सम वर्क, ये आप तब बोलोगे जब आपके एक्शन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट में भी हैं. अगर आपने मुझे कल बोला था कि मैम आज आप ग्रामर पढ़ा देना, तो बोलूँगी सी आई हैव डन द वर्क, क्योंकि कल बात कल हुई थी पर वो अब आज उसका इफेक्ट है, आज हो रहा है, उस पर डिस्कशन हो रहा है. सो जब आपके एक्शन के इफेक्ट्स कंटिन्यू रहते हैं आप आई हैव डन बोलते हो. या एक और एग्जांपल देती हूँ, आई हैव डिसाइडेड टू वर्क हार्ड दिस ईयर. तो इस साल अभी उसका इफेक्ट रहेगा मैं और, पर मैं डिसाइड कर चुकी हूँ मैं पिछले हफ्ते, इजंट इट. आई रैन फॉर एग्जाम्पल, ये व्हेन देर आर नो इफेक्ट्स, वेन एक्शन इज एब्सोल्यूटली डन एंड डस्टेड, राइट. फॉर एग्जाम्पल द बेबी क्राइड लास्ट नाइट, राइट, बेबी लास्ट नाइट रोया, तब उसका आज से क्या लेना देना है, इज़न्ट इट, कोई लेना देना नहीं, हो चुका है ये. आई हैड रन, यू से हैड रन वेन देर आर टू पास्ट एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल वन एंड टू, एंड हैड विल कम विथ फर्स्ट एक्शन, दूसरा जो एक्शन होगा सिंपल पास्ट में होगा. मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से, अगर आप आज क्लास में लेट आए हो तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैड स्टार्टेड द क्लास, आई हैड स्टार्टेड वेन यू एंटर्ड, जब आप आए. तो दोनों चीज़ें पास्ट में हैं, राइट. आप आ भी चुके हो और मैंने स्टार्ट भी कर चुकी, पर क्योंकि ये पहले हुआ फिर आप आए तो ये सिंपल पास्ट होगा, और जो पहले हुआ है दैट विल टेक पास्ट परफेक्ट और हैड. ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट पे हम थोड़े से रूल्स चेक करते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ याद रखनी है, टेंसेज अ लॉट ऑफ टाइम्स रेगुलर और बेसिक रीडिंग, सिर्फ अगर आप ध्यान से सेंटेंस को रीड कर लो तो भी आपका आंसर सही आ जाता है, राइट. स्पेशली एट अ बिगिनर लेवल. आज हम क्या कर रहे हैं, बिगिनर लेवल के जो भी शुरू कर रहे हैं उनके लिए हम रूल्स सारे कवर कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ये वाले दो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर हम इस पे आएंगे. एंटार्क्टिक पर्ल वुड, अब ये क्या चीज़ है पता नहीं, पर ये सिंगुलर है ना, एक ही चीज़ है, प्लूरल तो लग नहीं रही है. पर्ल एंटार्क्टिक्स या पर्ल वुड्स, अ लो ग्रोइंग श्रब, ओके, श्रब मतलब फ्लावर, तो मतलब एक फ्लावर का नाम है एंटार्क्टिक पर्ल वुड, अ लो ग्रोइंग फ्लावर विथ कैरेक्टरिस्टिक येल्लो फ्लावर, जिसमें किस तरह के फ्लावर्स, येल्लो फ्लावर्स उगते हैं इस प्लांट में, इज़ वन ऑफ द टू नेटिव फ्लावरिंग प्लांट्स विच वॉज, है ना, ये सब्जेक्ट मेन अपना सिंगुलर, वॉज अकरिंग और विच अकर्स, या तो मैं बोलूँगी अकर्स इन, क्योंकि सब कुछ बाकी प्रेजेंट टेंस में भी है, इज़, तो मुझे इसको प्रेजेंट टेंस रखना पड़ेगा. बिफोर द म्यूजियम क्लोज्ड परमानेंटली इट फेस्ड फिनेंशियल चैलेंजेस दैट इंक्लूडेड अ लार्ज डेफिसिट एंड डिक्लाइनिंग टिकट सेल्स, राइट, यहाँ पे हो जाएगा इंक्लूडेड. ठीक है, इस जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है एक बार इस पर हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं. बिफोर आर कॉन्वर्जेशन येस्टरडे पॉल हैज़ नेवर हर्ड द वर्ड ब्रुहाहा, नाउ ही हियर्स इट एवरीवेयर ही गोज. सो अपना जो कॉन्वर्जेशन है वो येस्टरडे हुआ था, राइट, तो वो तो अपने आप में ही पास्ट है. एंड ही हैज़ नेवर हर्ड द वर्ड ब्रुहाहा, मतलब उसने इससे पहले कभी सुना भी नहीं था, राइट, इससे पहले, तो कल उसने सुना है उसके पहले, तो ये तो पास्ट है. अब पास्ट के पहले जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, फर्स्ट पास्ट, अभी मैंने आपको सिखाया था हैड, सो यस. एलेन डी जेनरेस हु हैड हर फर्स्ट मेजर डेब्यू इन 1986 रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू लाइफस्टाइल ब्रांड, राइट. सो रिसेंटली कहाँ है, ये है, इसकी नंबरिंग थोड़ी ठीक कर देते हैं, ए बी सी डी, है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट. ऑल राइट, अब देखो कुछ क्वेश्चंस में आपको पूरा सेंटेंस रीड करने की ज़रूरत नहीं है. लाइक मैं अगर लास्ट में ही थोड़ा पहले एक आइडिया लगा लूँ, ठीक है,
सब कुछ पास्ट टेंस में चल रहा है, डिस्करेज ब्ला ब्ला वेंट ऑन समथिंग. नाउ हिज मोस्ट फेमस इन्वेंशन, अब हिज इन्वेंशन तो सिंगुलर ही है ना, पहली बात तो वर नहीं आ सकता है ना, वर नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ए चला गया. बाकी चीज़ें पास्ट में अगर आप सेंटेंस को रीड करोगे तो वॉज ए वॉज दिस, नॉट वॉज बाय, वॉज दिस है ना, वुड फ्यूचर क्यों आएगा, एंड दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज इट मेक्स अ सेंटेंस पैसिव. करेक्ट, सो इट शुड बी वॉज. द विटनी फुटब्रिज इन मिनियापोलिस फीचर्स एन एनग्रेविंग ऑफ अ जॉन एशबरी पोएम. पेडेस्ट्रियंस कैन रीड द पोएम एज दे वॉक. अब देखो, हम फुट ब्रिज ऐसे नहीं, ब्रिज जिससे लोग चल के निकलते, इस ब्रिज में इट फीचर्स अ पोएम, इट शोज अ पोएम जिसको लोग रीड करते हैं जब वो वहाँ से निकलते हैं. डेली की चीज़ है, लोग रीड, जब भी लोग वहाँ से गुजरते हैं लोग रीड करते हैं एज दे वॉक. सो इट शोज अ पोएम, नॉट पास्ट और फ्यूचर, इट विल शोड राइट, इट फीचर्स प्रेजेंट. ये सब प्रेजेंट टेंस में है तो ये भी प्रेजेंट टेंस में, मीनिंग वाइज. तो कई बार टेंस में आप मीनिंग वाइज सिर्फ मीनिंग समझ के ही आंसर कर लेते हो, आपको बहुत सारे ज़्यादा रूल या टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अ सरप्राइज, यहाँ देखो प्रेजेंट टेंस चल रहा है, दैट द अमेरिकन रैपर वनीला आइस, प्रेजेंट टेंस होगा इधर पे भी. अब प्रेजेंट टेंस किस तरीके का, डज इज नॉट राइट, द ही डजेंट ओन राइट. आई गेस वनीला आइस रैपर इज डज नॉट ओन, सो आई थिंक शी राइट, इट्स अ फीमेल रैपर. ओके, प्रोनाउन क्लैरिटी, प्रोनाउन क्लैरिटी इज द आइडिया दैट अ प्रोनाउन मस्ट क्लियरली रेफर टू अ लॉजिकल एंटिटी. दिस इज अ थर्ड कॉन्सेप्ट है. प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस आर वर्ड्स लाइक ही, शी, इट, दे राइट, फॉर एग्जाम्पल वी राइट, देम एक्सेट्रा. सो जो भी सब्जेक्ट है, एंटीसीडेंट मतलब सब्जेक्ट, ये उसके लिए यूज़ होना चाहिए. और अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो आप रिपीट कर दो सब्जेक्ट, वो ज़्यादा बेटर है. इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट का यही मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ रोहन एंड सोहन वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड ही डिड नॉट लाइक द फूड, सो हु डिड नॉट लाइक द फूड, रोहन या सोहन राइट. सो रैदर यू रिपीट द सब्जेक्ट, रोहन डिड नॉट लाइक द फूड. या फिर ये एग्जाम्पल देखते हैं, वन डिफरेंस बिटवीन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इज दैट दे हैव अ पील. दे मतलब हु, बोथ, या किसी एक की बात करेंगे, प्लूरल ही दोनों सब्जेक्ट भी है, तो कुछ समझ नहीं आया. तो फिर हम रिपीट कर सकते हैं कि इज दैट ऑरेंजेस हैव अ पील. पील तो वैसे दोनों में है, पर कोई भी एक चीज़ आप रिपीट करो कि यहाँ पे आप एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रहे हो. जब आपके दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो डू नॉट यूज प्रोनाउन, दैट्स द रूल हियर. नाउ एलिस एंड मैरी कुडंट फाइंड हर, हर मतलब हुज, तो या तो एलिस का नाम लिख दो या मैरी का नाम लिख दो. एलिस इज टेनिस रैकेट फॉर एग्जाम्पल. वेन द स्कूल बेसबॉल टीम वन देयर पेरेंट्स थ्रू अ पार्टी टू हुज एग्जैक्टली पेरेंट, जब बेसबॉल स्कूल की बेसबॉल टीम जीती तो उसमें किसके, या तो टीम के मेम्बर्स और स्टूडेंट्स पेरेंट्स, यहाँ पर कुछ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. देयर मतलब ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. वेन एना सेट द वेज डाउन द ग्लास टेबल, उसने वेज ग्लास टेबल के ऊपर रखा तो इट शैटर्ड. इट मतलब क्या, वेज शैटर हो गया या ग्लास टेबल शैटर हो गई, तो यहाँ पे भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा व्हाट शैटर्ड राइट. सो स्पेसिफाई. नाउ क्वेश्चन एवरीवन, द अंडरलाइन प्रोनाउन मेक्स द सेंटेंस अनक्लियर राइट. एक प्रोनाउन है अंडरलाइन. अब पॉला एंड मिलड्रेड लाफ्ड इट ऑफ व्हेन दे बोथ शोड अप एट द ऑफिस हैलोवीन पार्टी एज द विलेनियस क्वीन ऑफ स्नोज फ्रॉम देयर फेवरेट वीडियो गेम सीरीज. However, she con, she told her family, Paula Mildred, so we need to repeat the name even here, so we'll choose this one, correct? Next, Cameron and his half-brother looked very different, he had much higher cheekbones. He kisko refer kara, uske brother ko ya Cameron ko? So his brother hota, our brother nahi, his brother, to ye hota, sahi grammatically. So then in that case, we'll choose option B. Ye tick mark thoda upar niche ho raha hai. राइट, वी हैव टू रिपीट द सब्जेक्ट, सो इस पर आप मत ध्यान दो, जस्ट लिसन टू माई एक्सप्लेनेशन. ऑल द वैक्यूमिंग एंड स्काई डाइविंग बर्न एन इक्वल नंबर ऑफ कैलोरीज, इट इज आर्ग्यूबली मोर फन राइट. दोनों, इट इज़ मतलब विच वन इज मोर फन, वैक्यूमिंग या स्काई डाइविंग, तो कोई एक तो रिपीट करोगे, सो ऑप्शन डी एवरी वन करेक्ट. द येलो डक एंड द ब्लैक डक डोव, डोव एज इन डाइव, डाइव मारना राइट पानी में. सो दे डोव डीप इन टू द डार्क वाटर बट द येलो डक डिड नॉट कम अप. तो यहाँ तो मुझे पता ही, दो ने डाइव मारी पर एक येलो वाली वापस नहीं आई विथ अ फिश, सो नो चेंज. यहाँ पे सब्जेक्ट की क्लैरिटी है हमको, है ना, तो हमें कोई प्रोनाउन या कोई कन्फ्यूजन जैसी बात ही नहीं है. ठीक है,
ऑफ द टू ब्रदर्स ही इज मोर कॉन्जर्वेटिव, दोनों में से ही मतलब हु, अगेन जितना क्लियर हो सके, जितना चीज द सेंटेंस इज अनक्लियर, जितना स्पेसिफिक हो सको वो. सो मैं नाम, आप बोलोगे नाम तो पर सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कौन, बट इन चार ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा क्लैरिटी आपको कौन दे रहा है, यही दे रहा है. तो ऑथर है वो ग्रामर का सेंटेंस कहीं से पिकअप कर सकता है जो एग्जामिनर है, फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ का थर्ड, पर उस थर्ड में भी ग्रामेटिकली आप उसको बेस्ट करेक्ट कैसे कर सकते हो, मोस्ट क्लियर. नेक्स्ट रूल एवरी वन, नॉन एसेंशियल एंड पेरेंथेटिकल एलिमेंट्स. नॉन एसेंशियल मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और पेरेंथेटिकल मतलब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दिस सेंटेंस, नास्कर ड्राइवर्स लूज बिटवीन 5 and 10 pounds ऑफ वाटर वेट ड्यूरिंग ईच रेस. ये अपना है पेरेंथेटिकल या पेरेंट सेंटेंस या मेन सेंटेंस आप इसको मान लो. वेयर एज बाकी का जो सेंटेंस है, जो इसमें बाकी की इन्फॉर्मेशन कॉमा के बीच में है, जिसको भी मैं कट कर देती हूँ, हुए एंड्योर इन कार टेम्परेचर ऑफ ओवर 130 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. ये सेंटेंस में हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी का सेंटेंस ठीक है, अपना जो सब्जेक्ट है और जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो तो सेट है, इजंट इट. तो ये आप समझिए, अब इसमें हमें सीखना क्या है, कौन सा ग्रामर रूल सीखना है. वी हैव टू लर्न दैट जब भी आप नॉन एसेंशियल स्टेटमेंट को सेपरेट कर रहे हो फ्रॉम द मेन सेंटेंस, आपको हमेशा पंक्चुएशन यूज़ करना है. जैसे यहाँ पे दो कॉमास से आपने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आपने सेपरेट किया है फ्रॉम द मेन सेंटेंस. इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस एक देखते हैं, द अरोरा बोरेलिस मोर कॉमनली रेफर टू एज नॉर्दर्न लाइट इज मच बेटर नोन दैन सदर्न इक्विवेलेंट द अरोरा ऑस्ट्रेलिस. तो ये सब्जेक्ट और इसकी इन्फॉर्मेशन, राइट, ये देखो आप, ये सब्जेक्ट और इसकी इन्फॉर्मेशन ये मेन है. बाकी जो अरोरा बोरेलिस होता क्या है, इट इज़ नोन एज वॉट और वॉट नॉट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, करेक्ट. अब इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है ऑलरेडी जो हमने रीड किया वो सही है, या फिर अगर आप देखो तो दो कॉमास के बीच में है. मतलब जो भी आप एलिमेंट पंक्चुएशन यूज़ करोगे ऑन आइदर साइड ऑफ दिस नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, इट मस्ट मैच. अगर आप कॉमा यूज़ करो तो कॉमा भी चलेगा, आप डैश यूज़ कर सकते हो लाइक सेकेंड सेंटेंस, राइट, एंड थर्ड आप ब्रैकेट्स या पेरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हो. बट हाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि आपने स्टार्ट तो कॉमा से किया फर्स्ट सेंटेंस देखो और बाद में मैंने डैश रख दिया या मैंने ब्रैकेट रख दिया. इट मस्ट मैच ऑन बोथ साइड्स, तीनों ही तरीके सही है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द सैंड हिल क्रेन हैज़ द लॉन्गेस्ट फॉसिल हिस्ट्री ऑफ एनी एक्सटेंट बर्ड एट 10 million years, है ना. सैंडहिल क्रेन की सबसे लॉन्गेस्ट हिस्ट्री है. बाकी सैंडहिल क्रेन कैसा है, लार्ज बर्ड और स्मॉल बर्ड, नेटिव टू इंडिया, नेटिव टू अमेरिका, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि कॉमास के बीच में आनी चाहिए. तो हमें वी हैव टू पुट अ कॉमा हियर. सेंट लूसिया इज़ दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड नेम्ड आफ्टर अ हिस्टोरिकल वुमेन. सो ये सेंट लूसिया क्या है, सोरिन आइलैंड इन द करेबियन. यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है, डैश है, तो यहाँ पे भी हम डैश रखेंगे, कॉमा नहीं. तो जो भी आप रखो इट मस्ट मैच, राइट, बस हमें यही ध्यान रख देना है. वर्ड, अब जो भी अंडरलाइन पोर्शन है, गलती सिर्फ वहीं पे होती है, मिस्टेक वहीं होती है, बाकी का नॉन अंडरलाइन पोर्शन में आप कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकते. आपको दिख भी रही है तो आपको वहाँ ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन पर ध्यान देना है, ठीक है. वर्टिगो, ये अपना मेन सब्जेक्ट है. वर्टिगो इज़ द टाइटल ऑफ अ फेमस हिचकॉक फिल्म. बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ देखो, एक कॉमा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नॉन एसेंशियल, तो वर्टिगो के बाद भी एक कॉमा चाहिए. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, हवाई इज़ द ओनली अमेरिकन स्टेट दैट वॉज वंस. बाकी की एक्स्ट्रा, यहाँ दोनों जगह कॉमा लगा हुआ है ऑलरेडी, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. लाइक फिंगरप्रिंट्स, टंग प्रिंट्स आर यूनिक टू एवरी पर्सन. सो मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और टंग प्रिंट्स को कंपेयर करूँ, यहाँ पे कुछ भी नॉन एसेंशियल जैसी बात नहीं है, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, लोकेटेड इन रिचमंड कैलिफोर्निया. सो रिचमंड एंड देन कैलिफोर्निया, दो प्लेसेस हैं कि इस रिचमंड में, कैलिफोर्निया में, रिचमंड में ये एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक हिस्टोरिकल पार्क है. तो आई नीड टू हैव अ कॉमा अराउंड कॉल कैलिफोर्निया, मेन सब्जेक्ट. यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, मेन क्वेश्चन में भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इधर पे हो रहा है. सो ऑप्शन सी विल बिकम द करेक्ट आंसर. गॉल्डियन फिंच चिक्स, यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, तो इधर पे भी ब्रैकेट ही होगा, इट मस्ट मैच आर ईजी टू, अब फिर बाकी का सेंटेंस. सो ऑप्शन सी will be the correct answer. Now next concept everyone, logical comparison. Logical comparison as in jabhi bhi aap do cheezon ko compare karo, A is better than B,
इज लेस देन बी, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए, एज इन या तो दोनों ही चीज़ें एक पर्सन हो, आप पर्सन को पर्सन के साथ कंपेयर करोगे, दोनों ही चीज़ें थिंग या ऑब्जेक्ट हो, या दोनों ही एक एक्शन या वर्ब हो, कुछ हो जो मैच करे. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रिफर दी नॉवल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस टू थॉमस आर्टी. तो यहाँ पे आप नॉवल्स को पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हो एंड दैट्स वाई इट बिकम्स रॉन्ग. करेक्ट क्या होगा? आई प्रिफर नॉवल्स ऑफ दिस पर्सन टू दी नॉवल्स ऑफ दैट पर्सन. या फिर अगर आपको वर्ड रिपीट नहीं करना है तो आप दोस्त भी लिख सकते हो, तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट होंगे. राइट, नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द विंग्स ऑफ अ बैट, द विंग्स ऑफ अ बैट ड्यू टू द फिंगर्स दैट स्ट्रेच थ्रू देम आर मोर फ्लेक्सिबल दैन अ बर्ड. तो विंग्स को हम बर्ड के साथ थोड़ा ना कंपेयर कर सकते, देन विंग्स ऑफ अ बर्ड बोलेंगे. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज देन विंग्स ऑफ अ बर्ड और दोज ऑफ अ बर्ड. लॉजिकल कंपेरिजन के कुछ हमें ध्यान देना है कि पैरेलल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए. पैरेलल स्ट्रक्चर्स एज इन अगेन, जैसे मैं यहाँ पे दो चीज़ें कंपेयर कर रही हूँ. एक्शन, इट्स रेयरली बेटर टू रन फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स दैन कन्फ्रंटिंग देम. तो ये है टू डू फॉर्म में, ये है डूइंग या आई एन जी फॉर्म में, तो दोनों ही सेम तरीके से होना चाहिए. सो करेक्ट क्या होगा? इज बेटर टू रन दैन टू कन्फ्रंट. तो ये हो गया पैरेलल. राइट, द ग्राउल ऑफ अ लायन इज मोर फियरसम देन दैट ऑफ अ हाउस कैट. राइट, आवाज, दोज किस चीज़ के लिए? आवाज, हाउस कैट की आवाज़ को आप दैट बोलोगे. हैविंग वंस ब्रेकफास्ट इन बेड इज मेसियर दैन ईटिंग इट एट द टेबल. राइट, हैविंग एंड ईटिंग इट एट द टेबल. ओलंपस माउंटेन, मॉन्स एज इन माउंटेन, इज ओवर टू एंड अ हाफ टाइम्स टॉलर दैन माउंट एवरेस्ट. माउंटेन को माउंटेन के साथ कंपेयर करोगे, दैट ऑफ की जरूरत ही नहीं है, सो वी नीड टू सिंपली रिमूव इट. यस, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस एवरीवन हियर. हेनरिटाज फ्लॉक ऑफ बैकयार्ड चिकन्स प्रोड्यूस्ड मोर एग्स दैन हर नेबरहुड. सो इट प्रोड्यूस्ड, दीज चिकन्स प्रोड्यूस्ड मोर एग्स दैन विच चिकन्स. दैन चिकन्स को आप चिकन के साथ कंपेयर करोगे, जो कि इसी ऑप्शन. चिकन को आप नेबरहुड या सबर्ब या उसके फ्रेंड के साथ कंपेयर नहीं करोगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स टी एस एलियट्स लेटर पोएम्स आर मोर पावरफुल. लेटर मतलब जो उन्होंने अपने अपने बेसिकली लास्ट में लिखी थी अपनी लाइफ के, वो ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा पावरफुल थी एंड इंसाइसिव एज इन शार्प थी देन हिज अर्ली पोएम्स जो उन्होंने स्टार्टिंग में लिखी थी. सो हिज लेटर पोएम्स वर मच बेटर, मोर पावरफुल दैन दोज, मीन्स अर्ली पोएम्स. राइट, सो ऑप्शन सी, हम टाइम या एनर्जी या बाकी चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. नेक्स्ट, द फॉरेन इन्वेस्टर अक्वायर द लैंड फॉर पैसिव इन्वेस्टमेंट रादर दैन फॉर वट एवर. राइट, सो फॉर डेवलपमेंट. अगेन, जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, वो हमेशा सेम फॉर्म में, सेम तरीके से कंपेयर होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए. न्यूट्रिशनिस्ट डिसअग्री ओवर वेदर शुगर और ईटिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज वर्स. सो वेदर शुगर और वॉट, वेदर के बाद क्या है ये, और के बाद भी सेम चीज़ होगी. एक चीज़ का नाम है यहाँ पे ईटिंग तो लिखा नहीं है, ईटिंग शुगर, तो और के बाद ईटिंग या कंज्यूमिंग क्यों? राइट, सो जस्ट सिंपली एक चीज़ का नाम, विच इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर. नाउ पैरेलल कंस्ट्रक्शन इज क्वाइट सिमिलर टू वॉट वी हैव जस्ट लर्न्ड इन कंपेरिजन कॉन्सेप्ट. कि पैरेलल स्ट्रक्चर होता क्या है? पैरेलल स्ट्रक्चर इज द आइडिया व्हेन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस आर लिंक्ड, दे शुड शेयर द सेम स्ट्रक्चर. राइट, जब भी दो चीज़ों को आप कनेक्ट करो, ए एंड बी, एंड तीन चीज़ों को भी, ए बी एंड सी. राइट, इस तरीके से एंड के पहले, सबसे पहले तो कॉमा आइडियली आना चाहिए जब आप लिस्ट कनेक्ट कर रहे हो. पेनी लाइक्स रनिंग, बाइकिंग एंड स्विमिंग, है ना, आई एन जी एंड आई एन जी, इसको बोलेंगे पैरेलल स्ट्रक्चर. सेंटेंस रिटन विद पैरेलल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं टाइडी, एलिगेंट एंड परसुएसिव, परसुएसिव और मे बी इफेक्टिव. करेक्ट एवरीवन, सॉरी. और देख लेते हैं, अलादीन क्लोज्ड हिज आइज, ग्रिप्ड द लैम्प एंड रब्ड with his, with all his might. There are two ways to get to the Olympics, training hard or buying tickets. Perfect. ठीक है, अब कुछ questions करते हैं based on the concept we have learned. Young children often find it easier to memorize lists of names by hearing, learning and repeat simple catchy tunes in which the list is made musical. So they by hearing, learning and repeating. Anahit seeks to gain practical experience to learn
एंड अब देखो ए बी एंड सी आइडियली तो टू बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं, बट दो में हो चुका है तो तीसरे में आप कुछ अब खुद से बदलाव या चेंज नहीं ला सकते हो, तो मुझे डी चूज करना पड़ेगा, आई कांट से अक्वायर। वैसे तो ये बेटर होता है, सीक्स टू गेन लर्न एंड अक्वायर, पर ए और बी जिस भी फॉर्मेट में होंगे आपको सी थर्ड एलिमेंट उसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग रिवाइजिंग एंड सबमिटिंग है ना आई एन जी। बियो कुड नॉट डिसाइड वेदर, अब देखो यहाँ पे वेदर और है तो वेदर के बाद ही शुड बिकम एन एस्ट्रोनॉट स्टडी मेडिसिन और ही शुड राइट द गार्बेज ट्रक। ही शुड हमें रिपीट करने की जरूरत है बिकॉज वेदर और इज अ पेयर, वेदर के बाद जैसे भी शुरू होता है और के बाद भी वैसे ही होगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एवरीवन, कन्वेंशनल एक्सप्रेशंस, एज इन इसमें कोई ग्रामर वाली बात नहीं है, कोई चीज़ है नाइदर है तो नाइदर के बाद आप नॉर ही यूज़ करोगे, आप और यूज़ नहीं कर सकते, करेक्ट। वैसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड फ्रॉम ए टू बी, आप इन वर्ड्स को ऐसे ही यूज़ करते हो। क्रिस फाउंड इट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन द बायोलॉजी टीचर, आई कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द चिकन एंड द फिश, है ना, ये चीज़ ऐसे ही होती है, फिक्स है। तो कन्वेंशनल एक्सप्रेशन मतलब पैटर्न्स ऑफ स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश, आपको उस सेंटेंस को उसी तरीके से बोलना है, राइट। लेट्स सी वन एग्जाम्पल, ऑल्दो द ब्लैक डायमंड की रन वॉज क्लियरली मार्क्ड, साइमन इंसिस्टेड दैट, है ना, इंसिस्ट के बाद हमेशा दैट आता है, नॉट इंसिस्टेड विच। द एनवायरमेंटलिस्ट स्पोक टू द ऑडियंस अबाउट प्लांट बेस्ड मीट एज एन ऑल्टरनेटिव टू समथिंग, इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू। द मेसी टूल बॉक्स वॉज फिल्ड विथ अ वराइटी ऑफ ही हमेशा बोलते हैं, ऑफ रैचेट्स एंड रेंचेस। Despite having only had a few minutes to study the information packet before being rushed on stage, the younger debater showed a powerful command on the facts, a powerful command over the facts. Now next concept everyone, noun agreement. Noun agreement refers to jahan pe noun agrees with the meaning of the sentence. For example, from 1961 to 1989, the Berlin Wall served as barriers between the East Germany and West Germany. मतलब from 1961 to 1989, Berlin Wall क्या singular, तो barriers नहीं हम barrier बोलेंगे, right? So अगर subject singular तो उसके आगे जो भी उसके बारे में information होगी accordingly होनी चाहिए। The dogs plural ran to the door and wagged its tail, है ना, सॉरी वैग देयर टेल इन ग्रीटिंग। सो यहाँ पे देयर अपने आप में करेक्ट है, या फिर तो ये सिंगुलर होता तो इट्स टेल हो जाता। जेरेमी ट्रेंड हार्ड एंड जस्ट लाइक हिज ब्रदर्स बिकेम स्किल्ड बेसबॉल प्लेयर। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द राइज ऑफ मील डिलीवरी सर्विस होम बाइट्स एंड द ऐप फूडी दैट अलाउज यूजर्स टू रेट आर जस्ट टू, दो हैं तो ये प्लूरल में होना चाहिए ना, इंस्टेंसेस या इलस्ट्रेशन, सिंगुलर नहीं होगा तो ये बाकी ऑप्शंस क्यों चले जाते हैं, मीनिंग में तो सेम है पर वो सिंगुलर है, मुझे चाहिए एक प्लूरल वर्ड, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है सिंगुलर और प्लूरल का। द बेसबॉल प्लेयर सिंगुलर विश्ड ही कुड स्पीक टू हिज फैंस डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ हैविंग टू एड्रेस क्राउड्स ऑफ प्लूरल, क्राउड्स ऑफ पीपल, सो क्राउड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज ऑप्शन सी एवरीवन। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री। In 1897, Charlotte Weberg wed Arthur Sett Andrassy in an unlikely an, singular है, unlikely place. So, इसमें से कौन सा word singular है, सिर्फ यही है, so D. Next question, all eight Elizabeth siblings became politicians, plural होना चाहिए, so ये, ठीक है। Next concept everyone, very important concept, subject verb agreement. Subject verb agreement requires that a subject and verb agree in number, राइट, एज इन एप्पल्स आर, करेक्ट, एप्पल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑरेंजेस, इस्तानबुल वॉज, करेक्ट। सो पर हाँ हमें ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव फैमिली, जो कलेक्टिव नाउन है फैमिली ग्रुप पंच, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। माई फैमिली ओन्स एंड ऑपरेट्स, रिकाज फैमिली ओन्स एंड ऑपरेट्स अ पेट्स को, पेट स्टोर, राइट। Let's solve this example. A Neapolitan pizza made with San Marzano tomatoes is, हमें pizza की बात कर रहे हैं, is considered more. The sum of money one donates to registered non-profit organization represents a deduction. Correct? तो एक
आगे क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर वन, वी ओनली हैव 3 weeks अंटिल आर फॉल इशू गोज टू प्रिंट, सेड एलेना. अब्दुल्ला वॉज सिंगुलर. Anyone who has traveled to foreign countries understands the importance of getting immunization shots. Right? Jo bhi jata hai. So anyone is always singular. Everyone believes. So option B. Pronoun antepronoun antecedent means subject. Right? Pronoun subject ke hisab se hoga. For example, the vinyl record which was largely replaced by the CD has since seen a revival in its popularity. राइट करेक्ट इन इट्स पॉपुलैरिटी. सो करेक्ट सेंटेंस ये होगा ना कि ये. सो प्रोनाउन जो भी आप इट ही शी दे यूज़ करो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा. द हर्मिट क्रैब्स कुड नॉट फाइंड शेल्स दैट दे कुड फिट इन टू. द काउगर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल नॉर्थ अमेरिकन कैट्स हैज़ लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स रेंज इन द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स. द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट who measures cholesterol levels indicate that Gerald is healthy. So results of the test which measures. Chalo kuch questions solve karte hain. Motorcyclists should inspect their helmets and check the motorcycle's tires before they ride. Hai na, they ride, kyunki motorcyclists ke bare mein baat kar rahe hain. A career in engineering can be very exciting. You may not enjoy the many hours of working on fine details, but you may not enjoy this, but you may get or you get the satisfaction. तो मुझे you definitely चाहिए जो कि एक ही option में given है. At a public school called Quest to Learn in New York, teachers use video games to teach. So teachers use video games to teach because students love playing them. सो देम है तो फिर वीडियो गेम्स इज़ फाइन राइट. सो नो चेंज. बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट यू क्रॉस द स्ट्रीट. यहाँ पे भी क्या होगा यू शुड. ठीक है ओके. अब कुछ कंजंक्शंस हम देख लेते हैं कैसे कनेक्ट करना है. रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स वाइल अनडिनाइबली वैल्यूएबल ऑफन रिजल्ट इन फॉरेस्ट विथ लिमिटेड बायोडायवर्सिटी. रिफॉरेस्टेशन मतलब मैं बहुत सारे पेड़ लगा रही हूँ तो हो सकता है मैंने एक ही तरीके के 100 पेड़ खरीदे और मैंने लगाए तो उससे क्या होगा बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी वराइटी नहीं आएगी. मैंने एक ही तरीके के लगा दी इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या कंजंक्शन. इसीलिए केयर शुड बी टेकन टू प्लांट वाइड वराइटी ऑफ फ्लोरा इन डिप्लीटेड वुडलैंड. जब भी आप लगाओ वराइटी लगाओ इसीलिए मतलब अकॉर्डिंगली करेक्ट. द गाउडी हाउ हैट्रिक. हैट्रिक हम कब जब कोई भी चीज़ 3 बार कोई इंसान अच्छा कोई गोल कर लेता है राइट रिकॉर्ड बना देता है समथिंग लाइक दैट. तो ये नाम हैट्रिक कहाँ से आया गाउडी हाउ हैट्रिक. वी आर सेइंग इट कम्स फ्रॉम दी हॉकी प्लेयर. अगर कोई एक गोल करे रिकॉर्ड एंड असिस्ट एंड गेट्स इन इन फाइट ऑल इन द सेम वे 3 चीज़ें करता है तो. एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर ग्रेट गॉडी हाई. पर्सन था हॉकी प्लेयर फेमस उसके नाम से आया. बट हाई ओनली अचीव 2 सच. उसने एक्चुअली 2 ही सच गेम्स अपने इस तरह के प्रोफेशनल करियर में अचीव किए थे जो कि बहुत ही कम है देन मैनी अदर प्लेयर्स उन्होंने अच्छा खेला है. तो ये क्या है बट या डिस्पाइट द फैक्ट मुझे एक कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर चाहिए तो जो कि यही हो सकता है एज सच या आफ्टरवर्ड्स या एज अ रिजल्ट तो नहीं हो सकता है राइट. बट डिस्पाइट इंस्पाइट हाउएवर ओनली इन्हीं से आप कनेक्ट कर सकते थे. ऑल्दो वी नो द 4th planet फ्रॉम द सन एज मार्स टुडे. हम जानते हैं 4th planet को बिकॉज इट हैज़ हैड मैनी नेम्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट. सो ऑल्दो वी नो ऑल्दो अपने आप में एक कनेक्टर. जब आप ऑल्दो से स्टार्ट कर रहे हो तो दूसरा कोई भी कनेक्टर नहीं आ सकता है उसके बाद 2 sentences को कनेक्ट करने के लिए. फ्रैंकलिन स्ट्रगल्ड विथ फ्रेंच प्रोनंसिएशन. क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा था तो इसलिए उसके प्रोफेसर ने उसको सजेस्ट किया ही वॉच फ्रेंच मूवीज टू बिकम मोर फेमिलियर विद द सो हिज राइट. सो इसीलिए उसके प्रोफेसर ने बोला कि जो भी लैंग्वेज में आप स्ट्रगल कर रहे हो आप उसकी मूवीज देखिए ताकि आप थोड़े और फेमिलियर हो जाओ विद द लैंग्वेज. सम साइंटिस्ट प्रपोज दैट थम सकिंग इन चिल्ड्रन इज़ अ हैबिट विच इज़ डेवलप्ड एट बर्थ एंड रीसेंट थ्योरी. देखो कुछ साइंटिस्ट तो बोलते हैं थम सकिंग एक बचपन की हैबिट है. एक रीसेंट थ्योरी बोलती है इट इज़ न्यूरोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड राइट. सो न्यूरोलॉजिकली जेनेटिकली बेस्ड मतलब दोनों अलग अलग बोल रहे हैं सो कॉन्ट्रास्टिंग है. सो एंड विल नॉट बी करेक्ट बट से आप तो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों को कनेक्ट करते हो.
As the hot air balloon got close to the surface of the lake, Ginger jumped and landed in the water because she could not take one more terrible joke from the pirate. अब और joke नहीं सुन सकते थे क्यों वो कूद गई land होने के पहले ही क्योंकि उसे jokes अब झेले नहीं जा रहे थे. When surfing, I don't wear shiny jewelry or bright colors so that ताकि मैं so that I don't attract sharks. So कौन सा option है ये. Now next concept everyone, possessive determiners. Whether or not you care about the babies of celebrities and royalty is your choice, right? Your iska full form hota hai you are, right? You are not you. You're only as sick as your skin is slick, the doctor said, which I thought was a terrible love. Ki skin jaisi dikh rahi hai aap utne hi bimar ho. So you are, yahan pe main bolna chahti hu, you are only as sick. So which is this, right? Not your only, you are only. The Supreme Court justices will rule later today, but for now their decision, unka decision, not they are. Iska full form I repeat again, they are. So there refers to a place, like you can go there to eat something. Aap us jagah pe us restaurant mein ja sakte ho, hai na? This refers to people. So their decision is pending, not theirs decision. Free comic book day is my favorite day. My if not mine favorite day. Basketball players are known for their agility and hand-eye coordination. For they are agility, correct? You are tested to use or not use apostrophes to make nouns plural, possessive, or both plural and possessive. So plural nouns do not require an apostrophe. The plants in the greenhouse are thriving. तो ये इसमें तो कुछ चाहिए ही नहीं. द कंपनीज मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स इंक्लूड शैम्पू एंड मॉइस्चर. तो कंपनी के, राइट, हम इस तरह से बोलेंगे. हीरोज के कॉस्ट्यूम, तो बहुत सारे 100 हीरो हैं तो सबके कॉस्ट्यूम, तो एस के बाद अपोस्ट्रोफ. प्लूरल में एस के बाद आया, कोई सिंगुलर चीज़ है तो अपोस्ट्रोफी एस ऐसा होगा. बस आप ये डिफरेंस देखो ना. हर्नेस्ट हेमिंग्वेज नॉवल्स, उसकी नॉवल, तो ये वाला अपोस्ट्रोफी इस पर, उसकी नॉवल्स आर नोन, इसकी ज़रूरत नहीं है ना. अपोस्ट्रोफी इसका मतलब उसकी नॉवल्स, इज़न्ट इट, दैट्स नॉट नेसेसरी. इसी पजेसिव या अपोस्ट्रोफी पे हम कुछ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेबर यूनियंस आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वर्कर्स के राइट, वर्कर के राइट्स, एक वर्कर के नहीं, जितने भी 100 वर्कर है सबके, तो इसके बाद अपोस्ट्रोफी चाहिए, तो ये चला जाएगा. वर्कर के राइट्स है ना, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस चाहिए, ये भी रॉन्ग है. सी वर्क राइट्स के बाद अपोस्ट्रोफी नहीं चाहिए, राइट्स का क्या. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नो चेंज. द स्ट्राइटेड पैटर्न्स ऑफ अ केनियंस वॉल्स आर द स्ट्राइट पैटर्न्स ऑफ, ऑलरेडी है जो पैटर्न्स ऑफ अ केनियंस, अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट नीडेड देयर अगर ऑफ है तो. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग. नाउ ऑफ अ केनियन के जो वॉल्स हैं, केनियन की वॉल्स, केनियन इज अ प्लेस, बहुत सारी जगह नहीं है, राइट, एक ही जगह है, तो एस के बाद गलत होगा. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. सेरेना विलियम्स एंड स्टैन वावरिंका आर बोथ फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियंस हु टेक ग्रेट प्राइड इन देयर ट्रेनिंग. सो दिस इज दिस वन. वेनेसा एंड हेनरिएटाज लॉस्ट देयर लाइसेंसेस, अपने अपने लाइसेंसेस, राइट. When Andy said he wanted cold hard cash for his birthday, his mother's response was to give him a block of ice with dollars bills frozen inside. A full-grown boa constrictor's skin sheds every 3 to 6 months. So constrictor ki skin, hum yahan ye bolna chah rahe hain. So option B. Stephen King was so poor when his first novel sold that he couldn't afford medicine for his sick children. King's first purchase. So ye to sahi hai hame, right, is tarah se to nahi chahiye. Now confusion between its and their, to iska full form hota hai it is, and this is means possessive ya belonging to. Matlab main aapko ek example de deti hu. It's a class and मतलब इट इज़ अ क्लास एंड इट्स टॉपिक इज ग्रामर. इसका टॉपिक ग्रामर है, राइट. सिमिलरली ये तो हम देख चुके हैं, दे अपोस्ट्रोफी आर ई दे आर, देयर मीन्स प्लेस, देयर मतलब उनका, राइट, लाइक दैट.
राइट. सो इसको सॉल्व करते हैं. व्हेन इट वाज रिलीज्ड इन 1939 द विजर्ड ऑफ ओजे वाज अ कमर्शियल डिसअपॉइंटमेंट बेरली मेकिंग बैक इट्स बजट एट द बॉक्स ऑफिस. इट्स राइट नॉट इट इज बजट सो इट शुड बी ITS. While their connection to major league sports is only a few decades old, the bobblehead doll has origins that stretch back centuries. So while its connection, bobblehead doll की बात कर रहे हैं, right? So its होना चाहिए ideally again उसका. Despite its name, it is name नहीं, its name. Vitamin D is not technically a vitamin. देखो इसको आप its मत ही पढ़ो, it is पढ़ो, और इसको its पढ़ो. देखो इट इज़ चाहिए कि इट्स उसका चाहिए. वाइल पम्पकिन स्क्वाश जुकिनी मे लुक एंड टेस्ट डिफरेंट देयर दे आर एक्चुअली सो दिस वन. नाउ लिंकिंग क्लॉजेस स्टूडेंट्स. क्लॉज क्या होता है पहले तो हम ये देख लेते हैं. क्लॉज मीन्स अ सेंटेंस विच हैज़ टू थिंग्स दैट इज अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ वर्ब और एक्शन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वेर आर माई कीज मेरी चाबी कहाँ है. अगर आप मुझे रिप्लाई करते हो ऑन द टेबल तो ऑफकोर्स मुझे समझ आ गया है बट ये कम्प्लीट सेंटेंस नहीं है. पर अगर आप मुझे रिप्लाई करते हो पूरा कम्प्लीट सेंटेंस में कीज आर ऑन द टेबल तो इसको बोलेंगे क्लॉज. तो एक क्लॉज वो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब कम्प्लीट सेंटेंस होता है अपने आप में. अब ना दो तरह के क्लॉज होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट मतलब अपने आप में एक कम्प्लीट सेंटेंस. Nathan went to the grocery store, right? Full stop. ठीक है समझ आ गया. Where she bought eggs and milk. अगर मैं ये sentence हटा दूँ और सिर्फ आपको बोलूँ ये पढ़ो तो ये थोड़ा open-ended, incomplete सा लग रहा है. इसको एक और information चाहिए to get completed, isn't it? So ये हो गया dependent. इसको एक और independent या एक और sentence चाहिए. अब इस पे ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन. इट इज़ टेम्पटिंग टू ग्लैमराइज द हंट फॉर डायनासोर फॉसिल्स. द मेजॉरिटी ऑफ फील्ड वर्क तो ग्लैमराइज तो कर सकते हैं कि वह कितना अच्छा लगता होगा फॉसिल्स को देखना एवरीथिंग. पर ज़्यादातर अगर आप फील्ड वर्क आप देखो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डेली रूटीन ऑफ हीट इंसेक्ट्स टीडियस लेबर. बहुत मेहनत काम है. तो यहाँ तो हम पॉजिटिव बोल रहे हैं पर यहाँ पर बोलिए बहुत मेहनत काम है इतना ग्लैमरस है नहीं. तो एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड चाहिए तो बट इजंट इट राइट. नाउ इसको देखते हैं. दो दे हैव बीन पोर्ट्रेड इन पॉपुलर कल्चर एज बिटर राइवल्स एंटोनियो एंड वोल्फगैंग मोजार्ट वर मोर लाइकली फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड कलीग्स राइट. सो अब इस केस में मुझे सेमी कोलन की ज़रूरत नहीं है. जब मैं दो से दो सेंटेंस कनेक्ट करूँगी तो कॉमा इनफ होता है. सो हाउ डू वी रियली कनेक्ट टू सेंटेंसेज इज वॉट वी आर डूइंग इन दिस कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस. दो पॉल रेवर इज बेस्ट नोन टूडे फॉर हिज मिडनाइट राइड ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन. तो अगेन दो है स्टार्टिंग में दो ऑल दो. तो जब भी आप दो या ऑल दो से कोई दो सेंटेंस कनेक्ट करते हो तो वो सिर्फ एक कॉमा से कनेक्ट होते हैं कोई दूसरे और कनेक्टर से नहीं. तो ये गलत है राइट. मुझे सिर्फ एक कॉमा चाहिए. ऑल्सो पॉल रेवर को वापस हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है. ही इज फाइन है ना. ना फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूजिंग और कन्फ्यूज्ड वर्ड्स. कई बार इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्रामर. आपको दो वर्ड्स के बीच में भी डिफरेंस पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन और चीफ. लाइक स्कूल का प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल. पर अगर मैं बोलते तो मेन रीज़न लाइक यू नो आई वेंट देयर मतलब मैं द मेन प्रिंसिपल द प्रिंसिपल रीज़न आई वेंट तो भी मैं यही वाला वर्ड यूज़ करूँगी. इस प्रिंसिपल का मतलब लाइफ के जो अपने रूल्स हैं. लाइक माई प्रिंसिपल इज़ दैट आई नेवर लाई या आई नेवर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू से कि आई नेवर वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. ये मेरा लाइफ का प्रिंसिपल है लाइक दैट. ना कुछ वर्ड्स कर लेते हैं विच आर ऑफन कन्फ्यूज अमंग स्टूडेंट्स. और इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. तो जो भी दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं होमोफोन्स बोलते हैं हम इनको. मे बी स्पेलिंग कैन बी स्लाइटली डिफरेंट या उनका यूसेज भी हमें सिमिलर लगता है वो आपको फ़र्क पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दैन एंड देन. देन होता है कंपेरिजन के लिए. ए इज़ बेटर दैन बी. यू आर बेटर दैन दिस पर्सन. देन होता है मतलब नेक्स्ट कि ये हुआ स्टोरी में. देन दिस हैपेंड आई स्टार्टेड द क्लास देन यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन देन आई आंसर्ड इट फिर लाइक दैट. मच एंड मैनी एंड लेस एंड फ्यू. इनका एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. व्हेन वी से मच और लेस इट इज़ अनकाउंटेबल. इफ आई से
आज आपकी तबीयत कैसी, आज आप कैसे हो, यू विल से मच बेटर. उसे काउंट नहीं कर सकती मैं आपके कल से कितने बेटर, बट आप बोल रहे हो मच बेटर. या हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर टी, यू विल से आई वॉन्ट वेरी लेस शुगर. शुगर को आप एक एक काउंट नहीं कर सकते, राइट. पर इफ़ आई से देर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, मैं काउंट कर सकती हूँ. या देर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, है ना, मैं काउंट. सो ये हो गया काउंटेबल. अफेक्ट एंड इफेक्ट, राइट. अफेक्ट मतलब इम्पैक्ट होना. इफ़ समबडी स्पीक्स बैड अबाउट मी, इट अफेक्ट्स मी, मुझे इम्पैक्ट होता है, मुझे बुरा या मुझे असर होता है. इफेक्ट मीन्स रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, द इफेक्ट ऑफ योर एक्शन विल नॉट बी ग्रेट और विल बी ग्रेट. एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. सो एक्सेप्ट मतलब मान, आई एक्सेप्ट दैट वॉट आई सेड वॉज रॉन्ग और वॉट आई सेड वॉज राइट. एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस क्लास, वी हैव वन मोर क्लास इन द इवनिंग. Access. I have access to government offices, right? Because I am a government employee. For example, if I say, so I have access. I can enter. Access मतलब extra होना. I have access of books. मैंने उसमें से आधी ज़्यादा पढ़ ली हैं. So why don't you take book from me rather than buying it? बोलूँगी भाई मेरे पास access है, extra है, तो मेरे से ले लो, खरीदना क्यों है? Afflict and inflict. Afflicting injury and inflicting, right? किसी पे भाई, we were afflicted from COVID, right? And inflict मतलब खुद को injury या किसी को injury देना, like that, परेशान, trouble करना. Allude and elude. Allude and allusion, ये दोनों words similar हैं, जिसका मतलब होता है hint. For example, my friend's allusion to gift shop, कि मैं अपनी friend के साथ कहीं जा रही हूँ घूमने, उसने बोला ये देख gift shop कितने अच्छे gifts हैं इसके अंदर. So her allusion to gift shop reminded me that her birthday is coming next. तो मुझे याद है कि इसका birthday है, शायद ये gift shop इसलिए दिखा रही है, right? Elude means missing or escaping. Illusion मतलब कुछ imaginary, राइट. इल्यूजन जो हम बोलते हैं, समथिंग इमेजिनरी. कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मतलब मॉरल सेंस. अगर आप कुछ गलत करते हो, आपको बुरा लगे, यू फील सॉरी अबाउट इट, सो यू हैव सम कॉन्शियंस. इफ़ यू डोंट फील बैड कि यार इसमें क्या हो गया, तो देन यू डोंट हैव कॉन्शियंस. कॉन्शियस होना मतलब अवेयर होना. कोई मुझे बोले कि मैम आपको पता है कि इसमें अभी हमें और भी रूल्स कवर करने हैं, बोलूँगी येस आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट. आज हम कर रहे हैं ग्रामर बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, और इन्हीं चीज़ों को हम एडवांस लेवल पे करेंगे, प्लस विल बी कवरिंग मोर रूल्स इन फ्यूचर. एलिसिट एंड इलिसिट. इलिसिट मतलब कुछ इलीगल, इमोरल, कुछ भी गलत करना, राइट, दैट. एंड एलिसिट मीन्स टू स्टेट, टू डिपिक्ट, लाइक दिस पर्सन हैज एलिसिटेड और सेड, राइट, दैट. एमिनेंट मीन्स अ फेमस पर्सन, लाइक प्राइम मिनिस्टर इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी, सब जानते हैं. Imminent means upcoming, reaching, happening soon. For example, winters are imminent. Winters बस अब आने ही वाले हैं ना, almost ठंडियाँ बढ़ ही चुकी हैं. So imminent means upcoming or far, reaching soon. Patience होना मतलब आपको थोड़ा, जब भी आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो तो एक दिन में नहीं होगा, इट मे टेक सम टाइम, वन मंथ, टू मंथ, समटाइम सिक्स मंथ्स ऑल्सो. सो यू हैव टू कीप सम, यू हैव टू हैव सम पेशेंस. पेशेंट मतलब बीमार, जो लोग पेशेंट हॉस्पिटल में आपको मिल जाएंगे वो लोग. पर्सपेक्टिव एज इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको हमेशा अपना पर्सपेक्टिव प्रोग्रेसिव रखना है, पॉजिटिव रखना है, टू बेसिकली डू थिंग्स वेल, है ना. आपने, आपका एक्शन भी अच्छा होगा और आपके थॉट प्रोसेस अच्छा होगा. प्रोस्पेक्टिव मीन्स फ्यूचर, लाइक किसी का फ्यूचर चांस कैसा है, कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. तो आप आज जो मेहनत कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डिसाइड होगा. रिस्पेक्टफुली जनरली हम लेटर के एंड में लिखते हैं ना, रिस्पेक्टफुली, सिंसियरली एंड देन अपना नाम. रिस्पेक्टिवली इज़ लाइक इफ़ आई से क्लासेज, ग्रामर, वोकैब एंड क्रिटिकल रीजनिंग क्लासेज विल बी हैपनिंग ऑन ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे रिस्पेक्टिवली. मतलब ग्रामर की ट्यूजडे होगी, वोकैब की थर्सडे होगी, लाइक दैट, राइट. इसका ये मतलब है. साइट मतलब कंस्ट्रक्शन साइट. एक प्लेस को हम साइट बोलेंगे. इस साइट को, साइट मतलब आई साइट, देखना, और ये साइट का मतलब कुछ बोलना, टू से और स्टेट समथिंग. वॉन्डर मतलब इधर उधर ऐसे ही घूमना, कि भाई इन द इवनिंग समटाइम्स आई गेट बोर्ड सो आई जस्ट वॉन्डर इन द गार्डन नेक्स्ट टू माई हाउस, कि हम वहाँ पे बस ऐसे ही घूमते रहते हैं. वॉन्डर मीन्स, सो यू से ओ आई वॉज वॉन्डरिंग येस्टरडे, लाइक यू नो वेयर आर यू. सो अब मुझे आंसर मिल चुका है दैट यू ऑलवेज वॉन्डर इन दैट गार्डन, राइट. सो आई वॉन्डरिंग, लाइक आई वॉज थिंकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी वन, या इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. विथ 2297 RBI इन हिज मेजर लीग करियर, बेसबॉल लेजेंड हैंक आरॉन बैटेड इन मोर रन्स दैन, है ना, दैन, मोर रन्स दैन.
It is widely accepted that much of the bacteria in our bodies affects bacteria hai to hume does form chahiye. So affects not effects. Marion did not intentionally lose her passport so that is loose ka matlab hoga for example loose clothes ki bhai ye kapde bahut hi loose hain right maine XL मुझे मीडियम साइज कपड़े आते हैं स्मॉल आते हैं मैंने XL कपड़े फॉर एग्जांपल ट्राई किया तो दे विल बी लूज बट द पर्सन ने अपना पासपोर्ट घूम कर दिया है राइट घूम सो विच विल बी दिस वन ऑप्शन सी मोस्ट पीपल डोंट ईट द कॉर्प्स कॉर्प्स एज इन द सेंटर पार्ट तो उसको कॉर्प्स नहीं उसको हम बोलते हैं कोर कोर ऑफ द एप्पल बहुत से लोग सेंटर पार्ट एप्पल का नहीं खाते बिकॉज वहाँ पे सीड्स होते हैं लेस फ्लेवर होता है सो कोर नॉट कोर्ट या चोर चोर मतलब डेली का काम किचन का सब्जी बनाना बाहर जाना कुछ लेके आना डेली चोर्स राइट सो कॉप्स मतलब डेड बॉडी तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता जूली वॉज क्वाइट कन्विंस दैट हर यंगर ब्रदर जेकब हैड पोर टू मच सिरप ऑन हिज पैनकेक सो पोर उसने पोर कर दिया था दैट इज दिस वर्ड नॉट पेयर मतलब बेसिकली कम करना राइट पेयर मतलब अपना कोई डिक्रीज करना कोई प्रोडक्शन लाइक आई विल पेयर द डेली प्रोडक्शन बाय 20% मैं कम कर दूँगा राइट प्यूरीड मतलब चटनी केचप सो ये तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है रॉबर्ट बिलीव्स दैट एवरीवन इन द वर्ल्ड शुड बी फैसिनेटेड बाय हिज रिसर्च प्रोजेक्ट बट नॉन साइंटिस्ट फाइंड इट अ बिट ऑफ अ बोर राइट बिट ऑफ अ बोर रोमियो वॉज फेस्ड विथ अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन वेदर टू ओनर हिज फैमिली और परस्यू हिज लव जूलियट कि वो एक लेकिन सो वेदर क्या ये सही है हाँ ये अपने आप में सही है सो नो विदर नहीं लाइक लीफ विदर अवे ड्यूरिंग ऑटम सीजन लीफ सूख के गिर जाती हैं वेदर मतलब ये लाइक सीजन दिस इज अ विंटर वेदर राइट आफ्टर दिस स्प्रिंग विल कम सो नॉट एंड नॉट इवन वेन सेशन वी आर गोइंग टू स्मैश पंक्चुएशंस जितने भी रूल्स होते हैं आपको भी अब प्रॉब्लम हुई है सारी चीज़ें आज सॉर्ट आउट हो जाने वाली हैं बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस लाइक फुल स्टॉप सेमी कोलन कॉमा एक्सक्लेमेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट इन सब में इन अमंग ऑल दीज पंक्चुएशंस थ्री पंक्चुएशंस आर कॉमनली चेक्ड एंड वी आर गोइंग टू स्टडी मेनली दोज थ्री पंक्चुएशंस वही टेस्ट में आपको पूछा जाता है आपको फुल स्टॉप का नहीं पूछते हैं या आपको ये नहीं पूछते हैं कि लाइक यू नो एक्सक्लेमेशन कहाँ आएगा सो कॉमा वॉट इज कॉमा लाइक दिस सेमी कोलन इज दिस एंड थर्ड इज कोलन विच इज टू डॉट्स ठीक है ओके नाउ वील बी लर्निंग दिस इन बाइट साइज पीसेस मतलब थोड़े रूल सीखेंगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन में फिर वील कम बैक टू द रूल देन वील इम्प्लीमेंट एंड टूवर्ड्स द एंड वील रिव्यू ऑल द थिंग्स वी हैव लर्नड सो दैट वी कैन ऑल्सो अप्लाई वॉट एवर वी हैव लर्नड इन सेल्फ स्टडीज ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉमा कॉमा कहाँ यूज़ होता है पहला है फैन बॉयज आपने शायद फैन बॉयज मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने सुना होगा हमें स्कूल में सिखाया जाता है इट इज़ एन एक्रोनिम फॉर कंजंक्शंस लाइक फॉर एंड नॉर बट और येट सो है ना ये अब जब भी आपको ये सारे वर्ड्स से कनेक्ट करते हैं हम दो सेंटेंस तो आपको कॉमा यूज़ करना होता है फॉर एग्जाम्पल ए इज़ फॉर एंड राइट ए अगर एंड के लिए तो आई से आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ब्रेड तो मैंने एंड के जस्ट पहले मुझे कॉमा रखना पड़ेगा या आई वॉन्ट टू गो आउट कॉमा बट आई कैन नॉट राइट लाइक दैट सो जब भी आप ये कनेक्टर्स यूज़ कर रहे हो आपको एक कॉमा भी जस्ट उसके पहले फॉर एंड नॉर बट जस्ट पहले आपको एक कॉमा यूज़ करना है सो इट इज़ बिफोर फैन बॉयज सेकेंड यूज ऑफ कॉमा इज टू कनेक्ट अ लिस्ट एवरी वन येस राइट सो टू कनेक्ट अ लिस्ट एज इन अगर मैं तीन चीज़ें कनेक्ट कर रही हूँ ए बी एंड सी ठीक है ये चार फोर थिंग्स ए बी सी एंड डी राइट लाइक दिस तो फोर थिंग्स ऑल्सो एंड के पहले कॉमा आएगा यू मस्ट बी वंडरिंग एंड के पहले कॉमा व्हाट आर यू इवन टेलिंग अस आई नेवर सॉ दैट इन माय स्कूल बुक्स बट यस यू आर डेफिनेटली करेक्ट बट वी डू हैव नाउ वी डू हैव दिस कॉमा ऑक्सफर्ड कॉमा बिफोर एंड एंड इट इज काइंड ऑफ कंपल्सरी इन ऑल योर एग्जाम्स ठीक है तो ये याद रखना है
ओके पॉइंट थ्री यूज अराउंड नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज और अ पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब है नॉन एसेंशियल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट द सब्जेक्ट, हमें उसके अराउंड करना है. अगर किसी को नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस नहीं पता है, नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हो जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ ग्रामर करवाए थे, ग्रामर पार्ट वन. ये ग्रामर पार्ट टू है जहाँ पे हम पंक्चुएशन पे मेनली फोकस करेंगे, बिकॉज ये अपने आप में ही बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, सो जो कि वी कुड नॉट मिक्स विद अदर टॉपिक्स. सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. इफ आई से ही कॉमा हु इज न्यू इन क्लास, राइट, न्यू इन क्लास कॉमा इज गोइंग. सो ही इज गोइंग इज माई मेन सेंटेंस, ही इज गोइंग. वो न्यू है, वो पुराना है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, राइट, नॉन रिस्ट्रिक्टिव या नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, और ये कॉमा के बीच में रहेगी, ठीक है. ऑलराइट, सो अभी हमने तीन पॉइंट सीख लिए हैं. अब फोर्थ देखते हैं, डोंट यूज अ कॉमा बिटवीन एडजेक्टिव एंड अ नाउन. नाउन एज इन कोई सब्जेक्ट है, उसको मैं डिस्क्राइब करूँ, एडजेक्टिव की तारीफ करूँ कि ही इज अ गुड पर्सन, तो भी यहाँ पे कॉमा की क्या जरूरत है, या ही इज गोइंग टू रन टूडे, अब यहाँ पे कॉमा की क्या जरूरत है, वर्ब मीन्स एक्शन, तो भी सब्जेक्ट है उसका कोई एक्शन हो, सब्जेक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन हो, तो आइडियली हमें तब इनिशियली कॉमाज यूज नहीं करने चाहिए. नाउ बिफोर वी मूव टू सेमी कोलन कोलन, वट एवर कॉन्सेप्ट वी हैव लर्न, इसको इसके थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं टू रियली अंडरस्टैंड वेदर वी अंडरस्टूड दिस और नॉट. या तो क्वेश्चन नंबर वन, एवरीवन, व्हेनेवर जोना हैड अ फ्री मोमेंट ही वाज स्टडिंग. व्हेनेवर, लाइक देखो यहाँ पे हम देखते हैं, सो व्हेनेवर इज इन अ वे, सो व्हेनेवर आई गो देयर कॉमा आई ऑलवेज सी दिस पर्सन, जब भी आ रहे थे मुझे इंसान दिखता ही दिखता है. सो व्हेनेवर आई हैड जोना हैड अ फ्री मोमेंट कॉमा ही वॉज स्टडी, राइट. सो व्हेनेवर इज अ काइंड ऑफ कनेक्टर. एक चीज हमें समझनी है यहाँ पे, कनेक्टर्स प्ले टू काइंड ऑफ रोल्स और दे कम इन टू काइंड ऑफ प्लेसेस, ईदर इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड लेट्स से पोस्टिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब कॉमा आई हैव बिकम मोर क्रिएटिव, इजंट इट, तो मैं सिंस से स्टार्ट कर रही हूँ सेंटेंस. या ऑल दो आई डोंट लाइक टू वर्कआउट कॉमा आई शुड फॉर माई गुड हेल्थ, मुझे करना चाहिए, बट अगर मुझे मन है नहीं है वर्कआउट करने का, एक्सरसाइज करने का, तो भी, तो अगेन ऑल दो से सेंटेंस स्टार्ट हो. तो कनेक्टर जरूरी नहीं कि दो सेंटेंस के बीच में आए, कुछ सेंटेंस यस कुछ मिडिल में भी आते हैं, लाइक आई डो नॉट वॉन्ट टू वर्कआउट बट आई हैव टू, है ना, या आई वॉन्ट टू गो आउट एंड आई विल आफ्टर दिस क्लास, isn't it? So and या but बीच में लगा रही हूँ, so depends. So अगर कोई भी कनेक्टर है तो आपको दो सेंटेंस के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है. तो ये कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन डी हुआ. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू. हिज टॉप चॉइस स्कूल्स वर हार्वर्ड, येल एंड प्रिंसटन. अभी एक लिस्ट तरीके से, isn't it? जो पॉइंट टू मैंने आपको बताया था, जब भी आप लिस्ट कनेक्ट करते हो यू हैव टू हैव अ कॉमा बिफोर एंड, जो कि कहाँ पे है, तो एंड के बाद कॉमा हो गया था, तो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे कोई कॉमा ही नहीं है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन ए में हमें कॉमा चाहिए, सो दैट्स हैपनिंग इन ओनली ऑप्शन बी स्टूडेंट, सो विल चूज बी एज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर थ्री, जोना, अब देखो जोना इज द मेन सब्जेक्ट ना, जोना वॉज गोइंग टू गेट इन टू वन ऑफ दो स्कूल्स, ये बाकी का पेरेंट या मेन सेंटेंस है, बाकी का एवरीबडी वॉज श्योर अबाउट हिम, एवरीबडी डाउटेड हिम, नॉट श्योर, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है बिटवीन कॉमाज, ये नॉन एसेंशियल जो अभी हमने पढ़ा एक्स्ट्रा है, तो ये कॉमाज के बीच में ऑलरेडी है, इफ यू नोटिस, इजंट इट, अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है तो लेट मी इरेज इट, और यहाँ पे कॉमाज है, दिख रहे हैं ये कॉमाज, सो ये अपने आप में सेंटेंस दैट मीन्स करेक्ट है, इजंट इट, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, सो दैट मीन्स वी विल बी चूजिंग नो चेंज. क्वेश्चन नंबर फोर, एवरी वन होप्ड he would get in after his brother and two sisters had gone to their first choice schools. अभी हमने क्या सीखा था कि and के पहले comma चाहिए, इधर तो नहीं है, so no change will be wrong, इधर है, इसको ये भी रख लेते हैं, then we'll see something else, दो option, यहाँ पे and के बाद comma है, that's so wrong, यहाँ पे भी चाहिए भाई नहीं है, so बचता ही है, अगर मुझे rules याद है तो a lot of times my work gets so much easy as you can see, है ना, मुझे सिर्फ इतना ही देखना था, तो I have to see the differences. Let's see one more question, students. Question number fifth. Some of those very selective schools require really high scores. So some of the schools require high marks या high scores. So इसमें apostrophe s की क्या ज़रूरत है? Right? ये तो हम तब लगाते हैं. Like if I say Mary's shoes are new.
मेरी के जूते नए हैं या आर एक्सपेंसिव राइट समथिंग लाइक दैट. तो अपोस्ट्रॉफी ऐसा था. अब आप आगे उसके पजेसिव की बात करो कि दिस पर्सन्स नेचर इज़ वेरी नाइस, इसका नेचर बहुत अच्छा था. यहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इज़न्ट इट इन ऑल दीज, या फिर ये सब की अपोस्ट्रॉफी है, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर राइट. सो आई होप आप एक कॉमा ये सब रूल इसका अपोस्ट्रॉफी का रूल समझ गए होंगे. नाउ लेट अस कम बैक एंड अंडरस्टैंड सेमी कोलन कि सेमी कोलन एग्जैक्टली का क्या रोल होता है. सो सेमी कोलन कनेक्ट स्टूडेंट्स टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो सेंटेंस जो रिलेटेड है एक दूसरे से और आप अगर कोई कनेक्टर नहीं है लाइक ये समझ लो इन सिंपल वर्ड्स सेमी कोलन इज सिमिलर टू एंड. या सो फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस एंड देन इफ आई लाइक यू लाइक दिस. सो ईदर यू कनेक्ट टू सेंटेंसेज विद एंड और यू कनेक्ट बोथ द सेंटेंसेज विद सेमी कोलन. आइडियली यू शुड नॉट यूज एनी कनेक्टर एक्सेप्ट अ फ्यू केसेस से however right there are only few options however instead for example they may take a semicolon before or comma later but generally uske alawa you if you're connecting two sentences and there's no connector in the picture you have to use a semicolon. theek hai semicolon ka ye rule hai. now let us solve some questions of semicolon and then understand colon so that we understand semicolon ka kya rule hai. let me repeat two sentences can be connected by a semicolon you don't need a connector right they at all. can we use any semicolon before any connectors? yes exception cases very few. for example you can use it before however rather instead for example all these words I'll write but then not before every connector. baaki connectors ke pehle to comma hi aayega jo humne point 1 mein sikha hai comma ke. so however instead rather for example right you can definitely use semicolon before but then not after that. so let me give you some examples for that. yeah question number 9 everyone if you read. the rapid pace of technological development however abhi humne sikha however ke pehle hamesha comma semicolon aayega baad mein hamesha comma aayega which is happening here. so this is the correct answer. question number 10th It was very important for him to do well. एक ये sentence हो गया complete sentence है अपने आप में, इसको बोलते हैं independent clause like which is a complete sentence. दूसरा high score, अगर मैं सिर्फ इतना पढ़ रही हूँ high score in all subjects so you'll say what high scores who wants to score high. अगर मैं सिर्फ इतना तो it's very incomplete right. तो आप एक independent sentence और dependent sentence को semicolon से connect नहीं कर सकते, that's absolutely wrong. हाँ ऐसे sentence को आप colon से connect ज़रूर कर सकते हो राइट अदरवाइज नहीं. तो अगर अगर इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू डू वेल कॉमा एंड ही वॉन्टेड टू स्कोर रियली है तो ये गलत है. एंड भी चाहिए कॉमा के साथ. हाई स्कोर इन ऑल द सब्जेक्ट्स नहीं, इट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट, उसमें भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए. कौन हाई स्कोर करना चाहता है, सब्जेक्ट तो मिसिंग है, सब्जेक्ट इज नॉट देयर. सो इसीलिए यहाँ पे सेमी कोलन विल बी इनकरेक्ट. कोलन हम यूज़ कर सकते हैं यस. तो अभी हमने क्या सीखा था कि कोलन सेमी कोलन कनेक्ट्स ओनली टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, दोनों ही अपने आप में कंप्लीट हो, दोनों में ही अपना अपना सब्जेक्ट हो, अपना अपना वर्ब हो. इफ़ आइदर ऑफ द सेंटेंसेस इनकम्प्लीट जैसे इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेट्स से सब्जेक्ट है पर वर्ब नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ब है सब्जेक्ट नहीं, कुछ भी अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए फॉर अ सेंटेंस टू बी इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगर कुछ भी मिसिंग है लाइक इन सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप कोलन से कनेक्ट करोगे. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. या एक और क्वेश्चन चलो कुछ और करते हैं बेस्ड ऑन अभी तक जो चीज़ें सीखी है मैं अब रूल्स कंबाइन करना शुरू कर दूंगी लाइक कॉमा के सेमी कोलन के लाइक दैट. सो क्वेश्चन नंबर 11th एवरीवन. ड्रिंकिंग कॉफ़ी साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड ड्रिंकिंग कॉफ़ी मे हेल्प प्रिवेंट हार्ट डिसीज, ये मेरा मेन सेंटेंस है. ये साइंटिस्ट डिस्कवर किया जो भी कॉमा के बीच में होना चाहिए तो डिस्कवर्ड के बाद एक कॉमा चाहिए जो कि इधर हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 I have decked out my laptop with a keyboard cover A, Pokemon stickers B, and के पहले comma चाहिए and transparent case C, isn't it? So and के पहले comma चाहिए that means option D, correct? तो हमें कुछ rules समझ आ चुके हैं. fine. before we solve more questions let's understand the use of colon. colon has mainly two purposes. to introduce a list. introduce a list as in अगर मैं बोलती हूँ my favorite fruits, my favorite
फ्रूट्स, तो मुझे आर बोलने की ज़रूरत नहीं है, फ्रूट्स कोलन, एंड देन आई विल से एप्पल्स, ऑरेंजेस, कीवीज एंड कीवीज समथिंग. तो मैं एक लिस्ट स्टार्ट करने के लिए बोल रही हूँ. लिस्ट कनेक्ट करने के लिए तो आपको कॉमा ही चाहिए, एप्पल्स, ऑरेंजेस, कॉमा ये, कॉमा वो, यू नो लाइक दैट. तो कोई कोटेशन, कोई एग्जाम्पल आप स्टार्ट करो, है ना. फॉर एग्जाम्पल भी आप ऐसे ही बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल एंड देन टू डॉट कोलन्स, इजंट इट. सो व्हेन यू स्टार्ट अ लिस्ट, व्हेन यू स्टार्ट एन एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन, यू कैन यूज अ कोलन. उसके अलावा इफ़ दो सेंटेंस हैं, अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, राइट, अभी हमने सीखा था कोलन में, देखो सेकेंड रो देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब होता है, दोनों में अपने अपने सब्जेक्ट हैं प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, ये हो गया इंडिपेंडेंट. तो आप कोई कनेक्टर नहीं है ऑप्शंस में, तो आप सेमी कोलन यूज़ कर सकते हो. बट एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और एक सेंटेंस डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट मतलब उसमें सब्जेक्ट इज मिसिंग, सब्जेक्ट इज मिसिंग ना, कौन ही करना चाहते, पहले वाले में भले ही सब्जेक्ट हो, तो इन दैट केस यू विल कनेक्ट देम विद कोलन, राइट, नॉट सेमी कोलन, यू विल कनेक्ट देम विद कोलन. ठीक है, लाइक दिस. अब हम बाकी के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन जो भी चीज़ें अभी हमने सीखी ना. अपोस्ट्रॉफी एस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पंक्चुएशन. अपोस्ट्रॉफी एस कब यूज़ करते हो, लाइक इफ आई, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैरीज शूज आर, तो मैरी के जूते नए हैं, मैरी शूज आर, मैरी के जूते एक्सपेंसिव हैं. सो इट इज़ टफ टू गेट इन टू योर, नॉट यू आर. अब देखो इसे भी समझो, ये किस तरह से लिखा है, ऐसा लिखा है. सो व्हेन आई राइट लाइक दिस, ये फुल फॉर्म होता है यू आर का, राइट. और जब बोलते हैं योर, या योर शूज आर रियली नाइस, योर ड्रेस इज वेरी नाइस, तो आपका, इसका मतलब आपका, पोजेसिव, आपका ये, आपका आपका, आपकी ड्रेस अच्छी है, आपके जूते बहुत अच्छे हैं, आपका बैग बहुत अच्छा लग रहा है. सो इट्स टफ टू गेट इनटू योर, अपने टॉप चॉइस स्कूल्स में, नॉट यू आर, यू आर नहीं, योर, अपने टॉप चॉइस स्कूल्स में पहुँचना, बिजनेस स्कूल्स में, कॉलेज पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, इज़न्ट इट. सो वी नीड योर, नॉट यू आर, सो नॉट दिस. एंड ऑल्सो इट इज़, देखो ये क्या है, जो अपोस्ट्रॉफी एस लगता है तो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर इट इज़, पर हम ये नहीं, वो हम बोल रहे हैं इट इज़ टफ, नॉट इट्स टफ. सो ऑप्शन बी एंड सी चला जाता है, ये रहता है. इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ. इफ़ आई से इट इज़ अ क्लास, इसको आप ऐसे ही रीड करो, जब अपोस्ट्रॉफी, इसको इट्स मत बोलो, अदरवाइज इट विल बी कन्फ्यूजिंग फॉर यू. इट इज़ अ क्लास एंड इट्स टॉपिक्स आर, आर ग्रामर, वोकैबलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. तो इसके टॉपिक्स ये हैं, राइट, आर ग्रामर एंड वोकैब, इजंट इट. इट इज़ अ क्लास एंड इसके टॉपिक्स, या इट्स अ फैन, लाइक इट इज़ अ फैन एंड इट्स कलर इज वाइट. आर यू गेटिंग दिस, इट्स अ फैन, इट इज़ अ फैन एंड इट्स कलर इज वाइट. यप, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन. द रोलेक्स डेटोना द मोस्ट लग्जूरियस वॉच एवर रिलीज. सो द रोलेक्स डेटोना अपना मेन सब्जेक्ट है, सेल्स फॉर अ स्टैगरिंग हाफ ए मिलियन डॉलर्स, राइट. ये अपना मेन, तो बाकी का कॉमा के बीच में होना चाहिए, तो कॉमा तो है ही ना, दैट मीन्स नो चेंज. क्वेश्चन नंबर 8. जोना स्टडीड एवरी डे फॉर द बिग टेस्ट. He was studying, he was taking the SAT that Saturday. So, Jonah studied for the big test. Ek sentence ho gaya. He was taking the SAT that Saturday. Ab dekho, pehle mein bhi subject hai. Hai na, studied is a verb. To ye bhi pura apne aap mein full stop rakh dungi. To bhi apne aap mein ek complete sentence. If I say he was taking the SAT that Saturday. To isme bhi subject hai. है ना, इसमें भी verb hai. Dono complete sentence. So, इस तरह के complete दो independent sentences को कनेक्ट करने के लिए हम सेमी कोलन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज नन ऑफ द ऑप्शंस हैव एनी कनेक्टर. एंड भी यूज़ कर सकते हो, बट एंड नहीं है, तो सेमी कोलन इज परफेक्ट. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया था, 10 हमने कर लिया था, राइट. सो अभी हम आएंगे 13th पे. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड रिसर्चर जॉशुआ ग्रॉसमैन क्लेम्स. सो न्यूयॉर्क, अब देखो जॉशुआ जो मेन पर्सन है, कि जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड रिसर्चर हैं, He claims that his, तो यहाँ पे भी अगेन कॉमा एक यहाँ पे एंड में, जो कि हमें चाहिए टू सेपरेट द इंफॉर्मेशन इन बिटवीन, जो भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन है, कौन प्रोफेसर है, क्या नाम है उसका. सो ये ऑलरेडी है, सो यू विल चूज नो चेंज, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. ऑफ ऑल द थिंग्स द प्रेसिडेंट कुड हैव डन टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, ही चोज टू शिफ्ट हिज अटेंशन टू द वन थिंग दैट वॉज कंसिडर्ड इररेलेवेंट. मतलब जो 10 चीज़ें कर सकता था प्रेसिडेंट, पर उन्होंने अपना अटेंशन उस चीज़ पे रखा
जो सबसे इरेलीवेंट थी और वो थी क्या, राइट, एंड इट वॉज या जो भी. तो अब अगर मुझे बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल ऑफ 10 टॉपिक्स यू डिड द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और फिर मैं क्या बोलूँगी, समथिंग जो जो एग्जाम में नहीं आता है, जैसे एक्स वाई जेड. सो देन एंड इट वॉज बोलने की जरूरत नहीं. ऑफ ऑल द थिंग्स ही चोज टू शिफ्ट हिज अटेंशन टू टू इफ द मोस्ट इरेलीवेंट थिंग, एंड देन आई विल से कोलन, एंड देन आई सिंपली से हेल्थ केयर, कोलन हेल्थ केयर, ही एंड इट वॉज की जरूरत नहीं है, सो कोलन हेल्थ केयर, राइट. ऑफ ऑल द थिंग्स आई कुड डू स्टूडेंट्स टूडे, राइट, और फिर बोलूँगा आई कुड डू एक्सरसाइज, लाइक, या फिर एंड इट्स, या तो एंड इट वॉज बोल दो, फिर ये सब पंक्चुएशन मत रखो. ऑफ ऑल द थिंग्स आई डिड टूडे, वन ऑफ द थिंग्स आर, वन ऑफ थिंग्स वॉज, राइट, एक्सरसाइज, वन ऑफ थिंग वॉज गोइंग आउट समथिंग. तो या तो आप फिर ये बोल दो, पंक्चुएशन मत रखो. कोलन रख रहे हो आप, इंट्रोड्यूस कर रहे हो एक अपनी बात, कोई एक्सप्लेनेशन, तो फिर सिर्फ कोलन रखो, राइट. बींग किसी भी ग्रामेटिकल सेंटेंस में, ग्रामर किस में आए, तो वो गलत ही होता है. क्वेश्चन नंबर 15, वाइल मोस्ट स्टूडेंट्स एट MIT, अब देखो इसमें देखो, आई वुड लाइक टू जस्ट हाईलाइट समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू. इफ यू देखो फर्स्ट पार्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, राइट, अगर इसमें हम देखते हैं दूसरे कलर में, आई विल जस्ट हियर, वेट, इसको हम वेट, यस, ऐसे करते हैं. व्हाइल मोस्ट स्टूडेंट्स एट MIT यूज देयर, सो मोस्ट, ज़्यादातर बच्चे जो MIT के होते हैं वो अपना इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं टू बेटर द वर्ल्ड. तो ये हो गया वन हाफ ऑफ द सेंटेंस. अब सेकेंड हाफ ऑफ द सेंटेंस आई विल हाईलाइट विद डिफरेंट कलर. पर कुछ जो होते हैं जिनको भाई MIT में जितने बच्चे होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, स्पेशली इन मैथ्स. तो कुछ तो भाई चीज़ें अच्छी करते हैं, पर बाकी कुछ अपनी इंटेलिजेंट को या अपने एक्सेप्शनल मैथ्स स्किल्स को यूज़ करते हैं टू बीट द कार्ड गेम्स इन वेगस में, या तीन पत्ती इस तरह की चीज़ों में अपना जो मैथ्स लगा के इस तरह से भी यूज़ करते हैं अपनी नॉलेज. कुछ लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी करते हैं. सो वी आर कंपेयरिंग, व्हाइल मोस्ट स्टूडेंट्स डू दिस, सम स्टूडेंट्स डू दिस एज वेल. अब बाकी का जो ये एग्जाम्पल है बीच में, देखो ये जो एग्जाम्पल है इसको मुझे सेपरेट करना पड़ेगा फ्रॉम टू कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस, कि व्हाइल कुछ बच्चे ये करते हैं, अदर या सम अदर स्टूडेंट्स डू दिस, और जो बीच में एक फॉर एग्जाम्पल करके वो मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, इजंट इट. अब हम किससे सेपरेट करेंगे उसको, भी व्हाइल है, व्हाइल आई एम गोइंग आउट यू आर एंटरिंग द हाउस, जब मैं बाहर जाता हूँ आप. तो व्हाइल से हम दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस कनेक्ट करते हो, जब भी आप व्हाइल से दो सेंटेंस कनेक्ट करते हो यू नीड अ कॉमा. तो इसीलिए एक कॉमा तो है ही यहाँ पे जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सो वी विल बी यूजिंग नो चेंज. बहुत लोगों का वाई नॉट डैश, क्योंकि डैश भी दोनों साइड पे और हम फॉर एग्जाम्पल से सेपरेट कर रहे हैं. यस, ये एक्चुअली सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा, बट व्हाइल के साथ हम कॉमा यूज़ करते हैं, डैश यूज़ नहीं करते, राइट. ऑल्दो एग्जाम्पल को सेपरेट करने के लिए आप डैशेज भी यूज़ कर सकते हो, इट्स नॉट रियली रॉन्ग, बट व्हाइल व्हेन यू कनेक्ट टू सेंटेंसेज विद व्हाइल तो यू एक्चुअली नीड अ कॉमा. सो बिकॉज ऑफ व्हाइल वी प्रिफर ऑप्शन ए ओवर डी. क्वेश्चन नंबर 16, एवरीवन, Tara wasn't used to receiving compliments on her clothes, right? तो ये हो गया एक सेंटेंस. इसमें अपने पास सब्जेक्ट है, राइट, यूज टू रिसीविंग वर्ब भी है. दूसरे में देखते हैं she में भी सब्जेक्ट है, never considered herself stylish, वर्ब भी है. तो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये प्लस ये. तो इन दोनों को मैं कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, या तो कोई कनेक्टर हो, एंड वगैरह कुछ ना हो, तो सेमी कोलन, इसलिए तो सेमी कोलन इसमें है, तो या तो ये सही होगा, बस ऑप्शन सी में भी है ये भी सही होगा. तो अब ए और सी में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स की स्पेलिंग देखो, PLI एंड PLE. तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज, तारीफ, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ फ्री मिल जाना, कि लाइक इफ़ यू गो टू दिस रेस्टोरेंट ऑन संडे यू विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट, आपको एक डेजर्ट फ्री मिल जाएगा, या फिर दिस शूज, या फिर टू बेसिकली गो अलॉन्ग, लाइक दिस शूज कॉम्प्लीमेंट योर ड्रेस, ये शूज़ आपके इससे मैच कर रहे हैं, कपड़ों से मैच कर रहे हैं, तो मैचिंग. पर यहाँ मैचिंग की या फ्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोले तारीफ की, कि उसको आदत नहीं है तारीफ की, isn't it? So option C will go away because of this word and A is something we will stick to. After hours of needless arguing, the friends agreed with a plan for the surprise party. So after hours of needless arguing, as in पहले उन्होंने आर्ग्यू किया, and then they agreed, उसके बाद वो agree हुए, right? That is second action. So the friends had agreed, नहीं बोल सकते हैं. You say had, when, for example, I had started the class when you entered, है ना, I had started when you entered,
So what happened first, let's say you entered 1 hour before and I started the class 1.5 hours before. तो पहले मैंने start किया फिर आप आए, then you came. So then this will be in past perfect, will take had and this will be simple past. Correct. So after hours of needle, पहले तो हमने argue किया, then we agreed. तो इसमें had नहीं हो सकता, second action in the past. पहले हमने argue किया था, then हुआ, second में past perfect नहीं लगेगा. Now agree with or agree on. So you always agree with a person and you agree on a plan, you agree on something. I mean not necessarily a plan, but you agree on something. So you have a plan, a person to any, so we don't need agree with, right? We need agree on. So option C is our best bet here, a best option. Every one of the volunteers, so every one student, the word everyone is always saying like everyone in this class is very punctual. I'll not say are, and everyone is a singular term. So everyone collects money. Hamesha, jab bhi aapke paas words honge, I'll just give you a short way. Every, any, some, and no. Aur jab inke suffixes ya end words honge, one, thing, or body. Like everyone, everything, everybody, someone, something, somebody, anyone, anything, anybody, right? Everyone, no one, nothing, nobody, ये सारे words. तो ये हमेशा singular रहेगा, singular रहेगा as in you need collects, goes, like does form of verb, does में, like collects, not collect. Are you getting this? Not collect, collects. यहाँ पे भी collects है. So collects money for charity. This comma is unnecessary, so we'll choose option B. If a teacher makes a mistake, अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, अ टीचर है, तो ये दे कैसे हो गया, दैट्स रॉन्ग, इट शुड बी ही और शी, सो ऑप्शन ए एंड बी गोज अवे. नाउ दिस इज वॉट प्रेजेंट टेंस, टेंस हमेशा आपको मैच करना है, इन टेंसेज ऑफकोर्स यू हैव टू नो द रूल्स, वी डिड दैट इन द प्रीवियस सेशन, सो प्लीज गो बैक एंड चेक इट आउट, वॉच इट इफ यू हैवंट. बट इन टेंसेज फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंस, वॉट इज गोइंग ऑन, एंड ट्राई टू मैच द टेंस इन रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेंटेंस. तो ये प्रेजेंट में है तो बाकी का ये प्रेजेंट में होगा, पास्ट में नहीं हो सकता. सो ऑप्शन सी, राइट, दिस इज पास्ट एंड दैट्स व्हाई वी आर रिमूविंग इट. क्वेश्चन नंबर 20. ऑल्दो टिफनीज आइडियाज वर प्रॉमिसिंग, अ कंप्लीट सोल्यूशन अल्यूडेड हर. तो उसके आइडियाज तो अच्छे थे, ऑल्दो मतलब दो कॉन्ट्रास्टिंग, उसके आइडियाज तो अच्छे हैं पॉजिटिव, पर एक सोल्यूशन नहीं दिख रहा है उसके आइडियाज में. वॉट शी सजेस्टिंग वी कांट फाइंड a complete is missing basically is what we are trying to say. So complete, also if you see in the option allude or elude, so we need to know the meaning also here. Allude means hinting, like I can see a hint of solution, but we are trying to say ki nahi dikh raha hai, isn't it, ki ideas to acche hai but solution nahi hai. Elude will be eluded, so elude will be missing. So we need eluded, right, not alluded. Right, so main option A and B goes away, we are down to option C and D. Now how do we speak it, how do we use this, eluded her or eluded from her, eluded her is missing, right, is what we are trying to say. Question number 21, since he is too tired, dekho since is also a connector, since he is too tired to attend the meeting, the other members, so comma to hame chahiye, meeting ke baad comma to hame chahiye. Agar ab hum dekhte hain since अदर मेंबर्स गेव, ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो मुझे यहाँ पे भी वॉज टू चाहिए, इज नहीं चाहिए, करेक्ट. ही वॉज टू टायर्ड टू अटेंड, यू आर ऑलवेज टू टायर्ड टू डू समथिंग, टू टायर्ड टू डू समथिंग, नॉट डूइंग, राइट, नॉट डूइंग फॉर्म, आई एम टू टायर्ड टू गो देयर, राइट, लाइक दिस. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22, एवरीवन शी टोल्ड मी टू प्रीहीट द ओवन, ए स्टर द मिक्स एंड ग्रीस द पैन, राइट, सी, सो एंड के पहले कॉमा चाहिए, सबसे पहले जब आप लिस्ट करें, ऑल्सो ये कनेक्ट द लिस्ट विथ ए कॉमा बी एंड सी, है ना, हम ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते ए एंड बी एंड सी, वी डोंट स्पीक इट लाइक दैट. सो एंड, राइट, सो मेनी एंड्स आर इनकरेक्ट. सेकेंडली, यू डोंट कनेक्ट अ लिस्ट विथ एनीथिंग एल्स बट कॉमा, सेमी कोलन और कोलन, ऑल दीज थिंग्स यू डोंट यूज, यू नो, लाइक दिस यू डोंट. सो ऑप्शन बी, राइट, दिस इज इनकरेक्ट, right, we have eliminated. Also when you connect three things A, B and C, all should be in the similar form, like preheat, stir, not stirring, and grease, not greasing, right, you, if this is in do form, this can't be doing,
right? Or done, like no. All the tenses should be similar. So this is not parallel, option A is. The movie features a superhero whose, like not who is, the full form of this is who is. We are trying to say whose, jiski superpowers, whose. So this one, na ki ye. So option C and D. Now whose superpowers include healing, flying, ing, ing, ing. Perfect. Ing, ing, ab, and the last one is to read, not parallel. So option C is correct. Sometimes you are presented with a difficult decision. One must start over or attempt to correct the mistake. But agar aapko, see, sometimes you are presented with a difficult decision, one sentence. Subject bhi hai usme, verb bhi hai, second one, one, subject hai, ye bhi. Also starting mein you hai, to yahan pe mujhe you chahiye, phir one nahi chahiye. You must start over. Right, you must start over. So option A and B goes away. Now you must start over or attempt or nor attempt. Or ya to aap start karo ya ye kar sakte ho. Aap phir se us galti ko correct kar sakte ho. So option C and not D. Question number 25, everyone. I want to attend Maria's graduation party. Mujhe attend to karni hai, positive. I promised I would babysit for my neighbors this weekend. Par maine promise kiya hai ki main apne neighbors ke baby ko babysit karunga. Like that. So thoda sa negative hai. Positive aur negative sentence ko hamesha but ya however se connect. Dono se nahi karte ho. Ya ek hi koi use. Dono ka ek hi matlab hai. To koi ek hi use karo. So option C is wrong. अब अगर however से कर ही रहे हो तो अभी हमने क्या सीखा, we need a semicolon before however. So this will be the correct answer, yes. So I hope इस practice से आपका like you know आपका punctuation concept clear हो गया होगा. For more such sessions, of course I'll be sharing practice material. उसके लिए आप group description box में एक link है, telegram group है, वो join कीजिए to get doubt solving, to get more study material, so that like you know जो भी आप सीख रहे हो उसको आप implement भी कर पाओ. Yep. So that is it everyone. थोड़ा सा review कर लेते हैं. Surround yourself, थोड़ा सा review करते हैं कि भाई जितने भी non-essential information है उसमें comma उसके आसपास आएगा, right? कोई list है like A, B and C, तो आपको commas चाहिए. Don't use comma between two independent clauses, हैं दो independent sentence है तो semicolon आएगा, comma नहीं आएगा उस case में. कोलन्स कब आएंगे, जब एक कंप्लीट सेंटेंस है या कोई आप लिस्ट एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले आप कोलन यूज़ कर सकते हो. डैश भी कॉमा की तरह होता है, नॉन एसेंशियल कुछ है तो उनको आप डैश से कर लो या उससे कर लो. जैसे हमने वो MIT वाले स्टूडेंट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि डैश भी ठीक है बट वाइल के साथ कॉमा लगता है, राइट? तो कुछ चीज़ें अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो बिटवीन टू ऑप्शन, सो लीव आउट पंक्चुएशन अनलेस यू आइडेंटिफाई सिचुएशन दैट रिक्वायर्स. अगर आपको लग रहा है कि नहीं चाहिए पंक्चुएशन रूल के हिसाब से, ठीक है. अदरवाइज डोंट बॉदर एवरीवेयर इन द सेंटेंस के यहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए, डोंट थिंक सो मच. ऑल्सो आपको कभी ऐसा ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा जहाँ पर आप इंटरचेंजेबल पंक्चुएशन यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन के आसपास दो कॉमा रखना या डैशेज रखना एक ही चीज़ है, सेम बात है. तो आपको दो सही चीज़ नहीं पूछ सकते, या फिर दोनों ही गलत होंगे, कुछ तीसरा होगा अदरवाइज, राइट? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कर से ही फॉलो करो, जैसे आप बाकी क्वेश्चंस करते हो ग्रामर के, आपको पंक्चुएशन में भी जनरली आप किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन तो प्रैक्टिस करना ही होता है. मैनी ऑफ द रॉन्ग आंसर्स विल हैव एरर्स दैट यू विल क्विकली बी एबल टू डिटेक्ट. तो कई बार आप डिटेक्ट कर लोगे, पढ़ते ही आपको लगेगा हाँ एक पॉज होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, फिर सेमी कोलन होना चाहिए. तो पहले से डोंट लुक फॉर इट, लाइक नो एंड स्ट्रेन योर माइंड. पहले आप नॉर्मल रीड करो सेंटेंस मीनिंगफुल है कि नहीं है, राइट? और इसलिए कई बार इजी भी होता है बट यस, जब हार्ड क्वेश्चंस होते हैं तभी आपको ये रूल्स पता होने जरूरी है. इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ग्रामर क्वेश्चंस. आपने बेसिक्स तो मेरे साथ कवर कर ही लिए हैं, सो इसलिए आज हम मीडियम टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस करने वाले हैं. आज का क्लास लेस ऑफ अ थ्योरी क्लास है लाइक प्रीवियस क्लास, जहां हमने बहुत सारे ग्रामर रूल सीखे थे, बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे फ्रॉम एवरी कॉन्सेप्ट, चार पांच बेसिकली क्वेश्चंस जस्ट टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स. बट इन टुडेज क्लास द एजेंडा इज टू गिव यू गुड प्रैक्टिस कि आप एग्जाम में कैसे करोगे, बिकॉज एग्जाम में तो आपको नहीं पता ना कौन सा रूल चेक हो रहा है, और कई बार एक क्वेश्चन में दो से तीन रूल्स भी चेक होते हैं. सो हाउ विल वी फिगर आउट, सो विल रिवाइज ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज रूल्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन एट द सेम टाइम.
We are going to solve medium to advanced level questions. We are going to do approximately 40 to 50 questions, more than 40 questions basically. And sare grammar rules hum na sirf revise karenge, but at the same time, we are going to get a very good practice. Itni practice karne ke baad, around 40 to 50 question practice karne ke baad, you will definitely feel confident and better and we will be more ready to take your exam. So let's get started. The question number one, everyone, ek underlined portion aap dekh sakte ho, hai na? The other writers and me went to lunch to celebrate the launch of our new book. अब आपके सामने चार options हैं, as you can see. No change means you think the sentence is correct, right? There is no change required as such. If you think this underlined portion has some error, then you have to maybe choose option B, C, D, whichever you deem fit or deem right, based on the rest of the sentence. तो यहाँ पे हम पहले तो options में difference देखते हैं. अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है. Me went to lunch और me and the other writers went to lunch और यहाँ ये दो सेंटेंस में I है. तो पहले तो हमें I चाहिए कि me चाहिए, और फिर ये I और me कहाँ आना चाहिए. Looks like that's a difference, isn't it? तो पहले हम फ़र्क समझ लेते हैं कि क्या है. तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाती हूँ, without getting too technical in this, because this rule should be useful to you when you speak in normal life or for the exam, hai na? Isn't it? So for example, if I say to you students, I gave a gift to you. मैंने आपको एक gift दिया है. Now instead of I, अगर मुझे इस चीज़ को change करना है, and can I write she? She gave a gift to you. Yes, the sentence is still fine. He gave a gift to you. Or they gave a gift to you. Yes, but can I say me gave a gift to you? No, that's absolutely wrong. But can I say he gave a gift to me, or they gave a gift to us, or she gave a gift to them? You know, these kind of words, they can come on this side, isn't it? So ye I, she, he, they, we, right? We. ये सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव या डूअर, मतलब. और ये जो इस साइड पे है लास्ट में, इन सबको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या रिसीवर. नाउ ये सब टेक्निकल टर्म्स का मतलब क्या है? मतलब ये कि गेव जो है वो वर्ब है, एक एक्शन है, करेक्ट. सो वर्ब के पहले जो भी वर्ड्स आएंगे वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन्स होंगे, लाइक आई, शी, ही, दे, इसी टाइप के होंगे. और वर्ब के बाद जब आपको कुछ यूज़ करना है तो उसके बाद आप देम, यू, मी. तो यहाँ पे ये वेंट टू लंच क्या है? वेंट इज़ अ वर्ब, तो वर्ब के पहले मी आ सकता है? नहीं, वर्ब के बाद मी इज़ फाइन, नॉट बिफोर. तो इसीलिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी गोज अवे. ए मीन्स नो चेंज जो है, बी में मी एंड नो. वी नीड आई, आई वेंट टू लंच, आई एंड अदर राइटर्स हु आर राइटिंग, राइट, लाइक दैट. नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन सी एंड डी. तो सी में क्या लिखा है? सी उसी चीज़ को शॉर्ट में बोल रहा है, अदर राइटर्स. वेज डी क्या कर रहा है? अदर्स हु वर राइटिंग. अभी वही चीज़ बोलने के लिए चार वर्ड्स की क्या ज़रूरत है? दो वर्ड्स में हो गए अदर राइटर्स. अब अदर हु वर राइटिंग, अगर मैं बोलूँ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो थिंक दिस, रैदर देन अदर स्टूडेंट्स आई से अदर्स हु आर स्टडिंग ऑल्सो थिंक दिस, मतलब जस्ट अननेसेसरी वर्ड, इज़न्ट इट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंड डी समथिंग विल रिमूव और विल एलिमिनेट सोलली बिकॉज ऑफ इट्स वर्डीनेस, बिकॉज इट्स लेंथी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आई वुड हैव अराइव्ड एट वर्क ऑन टाइम इफ आई वॉज वेकिंग अप अर्ली. सो दिस क्वेश्चन एसेंशियली चेक्स योर टेंसेज एवरीवन. टेंसेज मतलब देखो, मैं टाइम पे तब आऊँगी ना जब मैं सो के उठूँगी सुबह पहले, यही हम बोलना चाह रहे हैं. सो इफ आई वॉज वेकिंग, अगर मैं उठ जाती पहले तो ये होगा, मुझे मैं उठूँगी, एंड देन मैं टाइम पे एट वर्क ऑन, आई कैन अराइव एट वर्क ऑन टाइम, तो ये सेकेंड होगा. तो जब दो पास्ट एक्शन है या दो एक्शन, अब देखो जो अंडरलाइन पोर्शन है वहीं पे आप चेंज कर सकते हो, जो नॉन अंडरलाइन पोर्शन है लाइक दिस वन, ये तो फिक्स है. तो ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो जो बाद में होने वाला है वो पास्ट में है, तो उसके पहले की चीज़ तो पास्ट में ही रहेगी ना, फ्यूचर में या प्रेजेंट में तो हो नहीं सकती है. विल वेक अप या वेक अप, राइट. आई वुड हैव अराइव्ड एट वर्क ऑन टाइम इफ आई हैड वोकन अप अर्ली, राइट. सो डबल पास्ट और you need past perfect. So what's the rule I applied here? The rule I applied here is that when there are two past actions, right, जो भी चीज़ second time पे हुई, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, तो please basics का video देख लो. जो चीज़ अगर second action ही past में है तो उसके वाला पहले वाला had done form में होगा. It's like I had started the class when you entered, है ना, मैंने पहले class start की फिर आपने देखी. So I had started the class when you entered, or the bus had left
वेन यू रीच द बस स्टॉप, जब बस स्टॉप तो बस जा चुकी थी आपकी, राइट। सो बस पहले गई फिर आप पहुंचे, भले ही सब सुबह हुआ हो, राइट, मॉर्निंग में हुआ हो। क्वेश्चन नंबर थ्री एवरीवन, व्हेन वन इज प्रिपेयरिंग टू अप्लाई टू कॉलेज। अब सी अगेन, नॉन अंडरलाइन पोर्शन को तो आप कुछ नहीं कर सकते, वन इज द मेन सब्जेक्ट, तो वन का प्रोनाउन भी हमेशा वन ही होता है, वन शुड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ऐसा नहीं कि यू यूज नहीं कर सकते, यू शुड में कुछ गलती है नहीं, बट अगर सेंटेंस वन से स्टार्ट हुआ है, मतलब दो सेंटेंस में आपको देती हूँ, वन शुड फॉलो द रूल्स ऑफ वन्स कॉलेज। तो क्योंकि मैंने सेंटेंस वन से शुरू किया, इसलिए मैंने उसका प्रोनाउन भी वन ही रखा, वन्स कॉलेज। बट इफ आई स्टार्ट द सेंटेंस विथ यू से, फॉर एग्जाम्पल, यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ योर कॉलेज, इजंट इट? सो यू योर, गॉट इट एवरीवन? आर यू गेटिंग दिस? बताओ। तो यू से, तो यू का प्रोनाउन हमेशा यू, योर, समथिंग रिलेटेड टू दैट रहेगा, वन का हमेशा वन, वन्स टाइप रहेगा। सो वन से स्टार्ट हुआ तो हमको वन ही चाहिए, यू तो चाहिए नहीं, सो ऑप्शन सी एंड डी गो स्ट्रेट अवे, वी नीड टू किक दिस आउट। नाउ वी आर डाउन टू ऑप्शन ए एंड बी। सो व्हेन वन इज प्रिपेयरिंग टू अप्लाई टू द कॉलेज, वन शुड, सॉरी, ए भी चला जाएगा बिकॉज ए में भी यू ही है, सो बी बचता है अपना। तो दिस वॉज क्वाइट ईजी, हम थोड़ा ईजी टू एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। विदाउट पेंसिल्स इरेजर्स इन कैलकुलेटर्स नीदर कार, अब नीदर के साथ तो नॉर ही आता है ना, और कब कब से आने लगा, सो ओनली ऑप्शन डी, नीदर नॉर, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द वोट्स सजेस्ट दैट द क्राउड लाइक्स डोनाज पाइज मोर देन थेरेसा। सो ये क्वेश्चन चेक कर रहा है कंपैरिजन, आपके कंपैरिजन रूल या स्किल्स की, दो चीज़ों को आप, दो सिमिलर चीज़ों को ही आप कंपेयर कर सकते हो। यू कैन कंपेयर अ पर्सन विथ अ पर्सन, यू कैन कंपेयर एन ऑब्जेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, अ थिंग विथ एन थिंग, यू कैन कंपेयर एन एक्शन विथ एन एक्शन, एक वर्ब को वर्ब के साथ, नाउन को नाउन के साथ, लाइक दैट, सो एक्शन विथ एक्शन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, द वोट सजेस्ट दैट क्राउड लाइक्स डोनाज पाई, लोगों को इसके पाइज, डी के पाइज ज़्यादा बेटर लग रहे हैं देन थेरेसा। वाह, हम पाइज को थेरेसा से कंपेयर कर रहे हैं, खाने की चीज़ को एक इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, सच अ बैड वे ऑफ कंपेरिजन, राइट। वी कॉन्ट कंपेयर पाइज विथ थेरेसा, पाइज विथ थेरेसा, वी हैव टू से थेरेसाज पाइज, राइट। इसके पाइज बेटर है देन उसके पाइज, इट्स लाइक योर केक इज बेटर देन हर केक, नॉट यू आर बेटर देन हर केक, आई कॉन्ट से यू आर बेटर देन अ केक, राइट, और यूर वर्स देन अ केक। सो यू कॉन्ट कंपेयर अ पर्सन विथ अ पाई, सो दैट्स एब्सोल्यूटली इनकरेक्ट, सो ऑप्शन ए गोज अवे, बी डज द सेम थिंग, है ना, पाइज विथ थेरेसा। नाउ वी आर डाउन टू ऑप्शन सी, वेयर वी आर कंपेयरिंग पाइज विथ पाइज, पाइज विथ पाइज। ना क्राउड, क्राउड के साथ लाइक जाएगा कि लाइक्स जाएगा, क्राउड लाइक और क्राउड लाइक, सो क्राउड लाइक्स, नॉट क्राइड क्राउड लाइक। सो How do you say like or likes? Yeah, go and go, goes. Yeah, do and does, right? All these things. So let's say this is a does form of verb, this is do. You know, go, goes and everything. So do form of verb you use, right? With plural. They do this, they like this. And this is with singular subject, that she likes this, she goes to the market, he goes to the market, he completes his homework regularly. All these things, right? So crowd likes, crowd, हम ऐसे ही बोलते ना, crowd of this place is good. यहाँ पे crowd, और crowd is too much on Sundays in the mall, so don't go there. Crowd ज़्यादा होती है. Not crowd are नहीं बोलते भले, तो this is a collective noun. जहाँ पे of course crowd refer to many people, but it is, इसमें singular verbs हम use करते हैं, right? ठीक है. Now question number sixth, everyone. Mr. and Mrs. Piston came to my recital. And they brought flowers, right? तो वो मेरे recital पे आए, so they came to my recital. Past tense, यहाँ पे भी past tense चल रहा है, तो right? And that, लोगों के लिए that तो use नहीं कर सकते, गलत है. They तो ये sentence present tense भी use नहीं कर सकते, past में है पहला portion, तो ये भी past में होगा. So sentence is correct the way it is, no change. Question number seventh. Although Ivan usually hates vegetables,
hidden object with a salad, ये object to something, not with, है ना, ठीक है, ये तो option ये चला कि ये object to, to, to. So, अब देखो, starting में although है, although is a connector, so although something, 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 something. So, although से जब भी आप दो sentence connect करेंगे, although I don't like, you know, I don't like to wake up early, कॉमा आई हैव टू फॉर एग्जाम्स और बिकॉज ऑफ एग्जाम्स एंड एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उठना ही पड़ेगा. सो ऑल्दो आई डोंट लाइक इट आई हैव टू, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव अब कॉमा सिर्फ कॉमा आएगा. सो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं पंक्चुएशन ऑप्शन डी में, इट विल गो अवे. बी में सेमी कोलन, दैट्स रॉन्ग. सेमी कोलन इज समथिंग यू कैन यूज स्टूडेंट्स ओनली वेन देर इज नो कनेक्टर इन द पिक्चर, ना तो स्टार्टिंग में ऑल्दो की तरह, ना ही कहीं बीच में. However के साथ आता है, बाकी किसी कनेक्टर के साथ नहीं आता है. सो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस सेशन में, आप इस प्लेलिस्ट में प्लीज़ देख लो, प्लेलिस्ट में जाओ प्लीज़ देख लो पंक्चुएशन, सो दैट लाइक यू नो आपको एक क्लियर आइडिया रहे. ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ. सो या ऑप्शन सी ठीक है इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द बैंड मेंबर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द सिंगर के अलावा, एक्सेप्ट द सिंगर, सारे बैंड मेंबर्स आर joining us, है ना, बैंड मेंबर्स प्लूरल है तो आर joining us, सो आर नॉट एक्सेप्ट, ये वाला एक्सेप्ट तो चाहिए ही नहीं, खैर isn't it? सो हमारे पास बचता क्या, यही बचता ऑप्शन ए इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज द मेन सेंटेंस रॉन्ग, इज नहीं आर चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन आई एंटर द रूम आई नोटिस देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट बिगिनिंग अमंग द केटरर एंड इवेंट प्लानर. तो ये दो लोग झगड़ा करके एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो रहा है, दो लोग के बीच में अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आर्ग्यूमेंट बिटवीन और आर्ग्यूमेंट अमंग. सो बिटवीन ऑलवेज कम्स विथ टू पीपल, लाइक टू, दीज टू पीपल कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर. और जैसे हम सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है, हम 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, सो वी कॉन्ग्रेचुलेटेड और वी लेट्स से स्टूडेंट डिस्कस दिस टॉपिक अमंग ईच अदर, राइट, और स्टूडेंट डिस्कस, दीज टू स्टूडेंट डिस्कस दिस बिटवीन दैम, ये अपने आप में डिस्कस कर लेंगे. सो अमंग कम्स विथ मोर देन टू पीपल, राइट, डिस्ट्रीब्यूट दिस बिटवीन बोथ ऑफ यू, अपने दोनों के बीच में आप ही आधा आधा डिवाइड कर लो. अगर तीन लोग हैं, चार लोग हैं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंगस्ट योर सेल्फ. अब अमंग अमंगस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता, आप कुछ भी बोल सकते हो. वन इज़ यूएस, वन इज़ यूके, जैसे स्पेलिंग्स में फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस हो, वही बोलने के स्टाइल में भी है. आप थोड़ा ट्रेंडी आपको साउंड के, तो आप अमंगस्ट बोल सकते हो, नहीं तो अमंग बोल सकते हो, जस्ट टू बी सिंपल, डजंट रियली मैटर. ठीक है, now coming back to the question, when I entered the room I noticed there was an argument a beginning between, so option C among is what something we do not need, hai na, so option B and D this is what we have chosen. So when I entered the room I noticed there was an argument beginning, I was noticing and noticed, so when I entered I noticed, not noticing, hai na, parallel, दो वर्ब्स भी पैरेलल होने चाहिए, जैसे होने चाहिए. सारे रूल्स सिखाए हैं, जिसने भी नहीं अटेंड किया प्लीज़ प्रीवियस टू सेशंस कवर कर लो फॉर बेसिक ग्रामर एंड पंक्चुएशंस. ठीक है, एवरीवन लाइक्स टू प्ले मोनोपोली, है ना, मोनोपोली इज बिजनेस गेम जैसा होता है, राइट, वही होता है इनफैक्ट. सो एवरीवन लाइक्स टू प्ले, तो सही, एवरीवन लाइक, लाइकिंग, टू लाइक तो गलत है, एवरीवन लाइक्स टू प्ले, राइट. सो ये भी हमने सीखा है. द मूवी फीचर्स अ सुपर हीरो हुज, अब देखो इसका फुल फॉर्म होता है हु इज, तो मुझे हु इज सुपर पावर बोलना है या हुज, सो ऑप्शन सी एंड डी, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. सो हुज सुपर पावर्स इंक्लूड हीलिंग, फ्लाइंग एंड रीडिंग माइंड्स, हीलिंग, फ्लाइंग एंड टू रीड. नो दिस सी पोर्शन इज नॉट पैरेलल टू ए एंड बी, सो ऑप्शन ये हम चूज करेंगे डी, हमने ए बी सी की तरह आप लिस्ट को देखो तो ये नहीं होगा, राइट, ये सब आई एन जी फॉर्म है, तो ये पैरेलल, इसको हम बोलते हैं पैरेलल ऑप्शन. यहाँ पे टू रीड है तो ये भी टू फ्लाई होना चाहिए था, फिर वो भी टू हील होना, तो फिर शायद ये सब, तो जब भी आप तीन चीज़ें कनेक्ट कर रहे हो, ए बी सी, चार चीज़ें कर रहे हो ए बी सी एंड डी, ये सब सेम तरीके से कनेक्ट होनी चाहिए, सेम तरीके का फॉर्मेट फॉलो करने चाहिए. समटाइम्स यू आर प्रेजेंटेड विथ अ डिफिकल्ट डिसीजन, सो अगेन मैंने क्या बताया था, यू, अगर यू से सेंटेंस स्टार्ट है तो यू का प्रोनाउन यू ही रहेगा, सो यू मस्ट स्टार्ट ओवर, है ना, यू मस्ट स्टार्ट ओवर और अटेम्प्ट, या तो आप फिर से ठीक करो या अपनी मिस्टेक ठीक करो, कोई डिफिकल्ट डिसीजन, ना ऐसा नहीं कि ना स्टार्ट करो ना ठीक करो, क्या करना है ना हो जाएगा, नहीं, या तो फिर से ठीक करो या तो अपनी, या तो फिर से स्टार्ट करो या अपनी गलती ठीक करो.
शी वॉन्टेड टू गो टू द मूवीज, द थिएटर वॉज क्लोज. तो दो सेंटेंस अगर आप ध्यान से रीड करो, शी वॉन्टेड टू गो टू द मूवीज एंड द थिएटर वॉज क्लोज फॉर रेनोवेशन. कि मूवी में जाना तो है बट थिएटर क्लोज है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो शी वॉन्टेड टू गो टू द मूवीज, दो सेंटेंस के बीच में कोई कनेक्टर नहीं है. जब कोई कोई कनेक्टर नहीं होता है राइट, तो अब यहाँ पे सेमी कोलन का भी कोई ऑप्शन है, आप सेमी कोलन लगा सकते थे. ऑल्सो पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको क्या चाहिए, बट द थिएटर वॉज क्लोज राइट. तो कुछ तो कनेक्टर हो या फिर दैट. वॉकिंग टू द स्टोर, हु इज वॉकिंग टू द स्टोर, द रेन और द यास्मिन. यास्मिन इज वॉकिंग. तो ये सब्जेक्ट इस इंफॉर्मेशन से इतना दूर कैसे है, इट इज अ मॉडिफायर एरर. मॉडिफायर के हिसाब से सब्जेक्ट और उसकी इन्फॉर्मेशन शुड अपियर नेक्स्ट टू ईच अदर, साथ साथ में होनी चाहिए. सो दैट मीन्स यास्मिन इधर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ रेन, हमें यास्मिन लिखना है. नाउ ऑप्शन सी और डी, यास्मिन सोक द रेन और यास्मिन वॉज सोक्ड बाय द रेन. तो यास्मिन वॉज सोक्ड बाय द रेन, एज इन यास्मिन बारिश में गीली हो गई राइट. आप बारिश में बाहर के तो यू आर सोक्ड बाय द रेन, आप बारिश में भीग गए. बट देन ऑप्शन सी बोला सोक, मतलब उसने बारिश को ही भिगा दिया राइट. सो ये तो मतलब सुपरमैन टाइप कुछ हो गया. तो ऐसा कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है. इसलिए मॉडिफायर इज ऑल अबाउट मीनिंग एज वेल, कि सेंटेंस हैज टू बी मच मोर सेंसिबल मीनिंगफुल व्हेन यू रीड. इफ एनीवन नीड्स मी आई विल बी एट द लाइब्रेरी. सो एनीवन के साथ ऑलवेज डज फॉर्म ऑफ वर्ब, नीड्स, गोज. इफ एनीवन गोज देयर प्लीज ब्रिंग, इफ एनीवन गोज टू देयर होम प्लीज ब्रिंग सम स्वीट्स फॉर मी, है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं. सो नीड्स मी इज करेक्ट, कोई जरूरत ही नहीं है, नो चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी वन, आई वॉन्ट टू अटेंड मारियाज ग्रेजुएशन पार्टी. मुझे पार्टी तो अटेंड करनी है राइट. पॉजिटिव सेंटेंस, अच्छा लग रहा है सुन के. आई प्रोमिस्ड आई वुड बेबी सिट फॉर माई नेबर्स दिस वीकेंड. पर मैंने प्रोमिस कर दिया अपने पड़ोसियों को कि मैं बेबी सिट करूँगी. अरे बापरे राइट, बहुत गलत टाइम पर प्रोमिस किया है. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटेंस के बीच में अगेन हमें कुछ कनेक्टर चाहिए, तो बट चाहिए या हावेवर चाहिए, पर दोनों साथ में नहीं चाहिए राइट, दैट्स फॉर श्योर. सो सो पार्टी हावेवर आई प्रोमिस राइट. तो हावेवर के पहले सेमी कोलन लगता है, ये हमने चूज कर लिया. सेम क्वेश्चन हमने जब अभी पंक्चुएशंस किए तब भी हमने किया था. दोज हू रिमेंबर हैव डन इट, वी शुड गेट दिस करेक्ट. जिसने नहीं किया प्लीज़ 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 ध्यान से सारी एक्सप्लेनेशन सुनो. क्वेश्चन नंबर 17, इट्स ईजियर टू लर्न टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट. अब देखो दैन है दैन, तो कब जब भी आप कंपेयर करते हो, मैंने आपको क्या सिखाया था, दो सेम चीज़ें कंपेयर करते हो, पहले तो ये बात. दूसरा सिमिलर फॉर्म में, सो टू लर्न टू प्ले, टू लर्न टू प्ले, तो यहाँ पे भी टू प्ले एंड टू टीच, नॉट टीचिंग, टू टीच राइट. यू अंडरलाइन पोर्शन, तो कहाँ पे टू टीच है इन दोनों में, ऑप्शन ए एंड बी गोज अवे. वेन एवर यू कंपेयर टू एक्शंस, तो उनका फॉर्मेट फॉर्म, लाइक ये अगर लर्निंग है तो वो टीचिंग हो जाएगा, ये टू लर्न है तो वो टू टीच हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस, उसके हिसाब से अंडरलाइन पोर्शन को आप चेंज करते हो. सो देन टू टीच समवन हाउ टू प्ले, नॉट प्लेइंग अगैन. सो ऑप्शन सी, शी टोल्ड मी टू प्री हीट द ओवन, स्टर द मिक्स एंड ग्रीस द पैन. ए बी एंड सी राइट, थ्री थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप तीन चीज़ों कनेक्ट करते हो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे कनेक्ट करते हो, ए बी एंड सी लाइक दिस, इजंट इट. यू डोंट कनेक्ट थ्री थिंग्स विद ए एंड बी एंड सी, ऐसे तो बोलते नहीं है. तो ये बार बार एंड जो आ रहा है ऑप्शन डी में, वो गलत है. ऑल्सो आप ऐसे भी नहीं बोलते, ए सेमी कोलन बी सेमी कोलन सी सेमी कोलन राइट. यू आप कॉमा कॉमा लगाते हो, तो ये बी भी गलत है उस हिसाब से. ऑल्सो जब तीन चीज़ें कनेक्ट करते हो ए बी एंड सी, तो अगर ए में आई एन जी है तो बी में भी होगा, सी में भी होगा. अगर नहीं है, जैसे प्री हीट, तो स्टर एंड ग्रीस, तो यहाँ पे क्या प्री हीट स्टरिंग, स्टरिंग ये इसमें क्यों आई एन जी आ गया है जब बाकी जगह नहीं है, दैट्स रॉन्ग. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई ब्रॉट द फुटबॉल फॉर बॉबी, फॉर हु डिड यू ब्रिंग द फ्रिस्बी. फ्रिस्बी इज लाइक ऐसे आपने फेंका राइट, और शायद वापस भी आया था कभी कभी बूमरैंग की तरफ लाइक दैट. सो मैं तो फुटबॉल बॉबी के लिए लाया, तुम किसके लिए फ्रिस्बी लाए. तो अब क्वेश्चन इज होम या हु, क्या यूज़ करें. तो मैं आपको रूल पहले तो बता देती हूँ हु और होम का डिफरेंस. जस्ट लाइक अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर वन में, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड रिसीविंग प्रोनाउन राइट, या डूअर एंड रिसीवर. सिमिलरली हु इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड होम इज रिसीवर प्रोनाउन राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से
दिस इज द स्टूडेंट हु और हुम आई टॉट लास्ट ईयर राइट एंड सेकेंड सेंटेंस विल बी दिस इज द स्टूडेंट हु और हुम cleared the exam with flying colors say. So in the first sentence I taught like I am the main subject. मैंने पढ़ाया student को. Student is the receiver. तो whom? You know he is just receiving something. My teaching any action. Whereas in second किसने clear किया? Student ने खुद clear किया. तो ये subjective या doer हो गया. Now here you bring the frisbee. आप लाए frisbee. तो आप subject हो गए. जिसके लिए लाए वो receive करेगा. सो फॉर हुम है ना, फॉर हुम डिड यू ब्रिंग द फ्रिस्बी. तो हमको चाहिए ऑप्शन बी. डिड के साथ ब्रॉट इज रॉन्ग है ना, हु तो खैर चाहिए नहीं. सो ऑप्शन ए एंड डी विल गो अवे एनी विच वेज. ना क्वेश्चन नंबर 20. समवन इन द स्टैंड्स ब्लोज अ विसल. सो समवन अगेन एनी वन समवन नो वन ऑल दीज वर्ड्स टेक्स डज फॉर्म ऑफ वर्ड. सो तो अपने आप में सेंटेंस सही है राइट. Question number 21. We can judge the quality of an invention by its effect on society or effect on society. So effect, अगर मैं बोलूँ यार कोई मेरे बारे में बुराई करता है, it affects me, मुझे बहुत बुरा लगता है ना, मैं impact हो जाती हूँ, मैं right hurt हो जाती हूँ. So it affects you. Affects मतलब impact हो जाना in a way कुछ. और पर एक होता है कि effect, it's इसका effect, इसका result. वी कैन जज द क्वालिटी. इन्वेंशन कितना अच्छा है, उसका रिजल्ट सोसाइटी पर कैसा पड़ता है. यहाँ पे हम इफेक्ट बोलना चाहते. सो नॉट अफेक्ट. ऑप्शन ए एंड बी विल गो अवे. सी एंड डी. बट इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी नॉट टूवर्ड्स. राइट प्रेपोजिशन फॉर इफेक्ट इज ऑलवेज ऑन. ऑल्सो एडेड टू द टाइम लाइन. देखो अ प्रोजेक्ट है, सिंगल प्रोजेक्ट, हर जगह पे अ लिखा हुआ है. तो फिर वर्क क्या, वर्क इसको रेफर कर रहा है. शुड बी वॉज वॉज अ प्रोजेक्ट. Correct. So option A and D goes away. Now was a project involving or that was involving. Involving, right? Extra words are okay. It's not like you can never choose lengthy options. But lengthy options are okay if they're adding a better meaning. If those extra words are necessary for that meaning to come out. If that's not happening, just stick to a shorter option which conveys a similar meaning. Question number 23. While some think it is only a mythical object, the Holy Grail, so Holy Grail is the main subject, has fascinated historians because of its, Now see something I would like to show you here. So has, देखो option, has and have. So has and have का पहले तो आपको difference बहुत ही clear cut याद रहना चाहिए. In case you're confused, of course, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है. So has is singular, have is plural, correct? अगर has is singular है तो holy grail, अपना holy grails तो लिखा नहीं है, singular subject है. तो they have, option C, option D will go away, correct? Give me a second. Yes, option C and D will go away. We'll keep has. Now difference between it apostrophe s and its क्या बताया था? Do you remember from the last class? So its and its. चलो फिर से बता देती हूँ. If I say it is a fan and its color is white. So it is a fan और इसका color, इसका, तो मुझे क्या चाहिए? Its last, its presence or it is presence. I need its presence. So option B and not option A. Question number 24. Although Tiffany's ideas were promising, a complete solution eluded her. Eluded, बताओ, eluded. है ना, देखो इसमें option में दो हैं. ना अगर आप option देख रहे हो. So why? Because अगेन राइट भाई, इसमें मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे लग रहा है बता चुकी हूँ. एम टेलिंग यू फॉर द सेकेंड टाइम राइट, जिसने भी सेशंस देखे हैं. सो अल्यूड एंड इल्यूडेड. अल्यूड मीन्स हिंट एंड इल्यूड इज मिसिंग. सो उसके आइडियाज़ तो अच्छे हैं. ऑल दो से हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस कनेक्ट, तो आइडियाज़ तो अच्छे हैं, पर यहाँ मुझे नेगेटिव कुछ बोले. पर उसके जो एक पूरा सोल्यूशन मिसिंग है, पूरा सोल्यूशन नहीं है. सो इल्यूडेड ऑप्शन सी.
सिंस ही इज टू टायर्ड टू अटेंड द मीटिंग द अदर मेंबर्स गेव हिज प्रेजेंटेशन. ये क्या पास्ट टेंस है, तो अंडरलाइन पोर्शन भी पास्ट टेंस चाहिए, तो इज रॉन्ग. ही वॉज टू टायर्ड टू अटेंड, नॉट अटेंडिंग, है ना. टू, आई एम टू टायर्ड टू डू दिस, आई एम टू एनर्जेटिक टू डू दिस, आई एम टू प्राइसी. फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ पीपल से आई एम टू प्राइसी टू डू समथिंग, इजंट इट लाइक दैट. सो Tana wasn't used to receiving compliments on her clothes. She never considered herself specially stylish. So, compliments are praise, tarif karna kisi ki, and these compliments are kuch free mein ho mil jana ya kuch match karna. For example, if I say these accessories match or these accessories complement your clothes. See, accessories aapke kapdon se bahut match kar rahi hai na, like that. So, yahan pe to hum tarif ki baat hai, usko tarif ki aadat nahi apne kapdon pe. She never considered herself specially stylish. सो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है ना. टू सेंटेंस, तारा में तो कोई सब्जेक्ट है ये, सेकंड सेंटेंस में शी, दिस इज आल्सो सब्जेक्ट. दोनों कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, कोई कनेक्टर नहीं है, राइट, ना तो स्टार्ट में ना तो बीच में. सो सेमी कोलन इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, सो ऑप्शन ए एंड नॉट ऑप्शन बी. आफ्टर आवर्स ऑफ नीडलेस आर्ग्यूइंग द फ्रेंड्स, तो पहले तो उन्होंने बहुत आर्ग्यू किया फ्रेंड्स ने, पहले ये हुआ, फिर वो अग्री हुए सेकेंड. सो सेकेंड एक्शन में सेकेंड तो पास नहीं हो सकता. द फ्रेंड्स अग्रीड ऑन अ प्लान. यू ऑलवेज अग्री विथ समथिंग एंड देन अग्री ऑन समथिंग. सो अग्री विथ अ पर्सन मे बी, राइट, एंड अग्री ऑन अ प्लान. सो या सो दे अग्रीड ऑन अ प्लान, नॉट अग्री विथ. एवरी वन ऑफ द वॉलंटियर्स कलेक्ट मनी फॉर चैरिटी थ्रू आउट. सो एवरी वन कलेक्ट्स, अभी मैंने आपको सिखाया था कलेक्ट्स मनी फॉर चैरिटी. दिस कॉमा इज अननेसेसरी, दिस विल गो अवे. इफ अ टीचर मेक्स अ मिस्टेक, और टीचर सिंगुलर है तो ही या शी होना चाहिए, और ऑल्सो ये प्रेजेंट टेंस में है मेक्स, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. सो ही और शी, ऑप्शन सी एंड डी दो ऑप्शन है, शुड करेक्ट इट, नॉट करेक्टेड इट, करेक्ट. सो ऑप्शन सी. नाउ थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो थोड़ा और ध्यान देना क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ. नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू इज रीड ऑल फाइव स्टेटमेंट्स, एक प्रॉपर स्टेटमेंट जो पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. और आपको क्या फिगर आउट करना है, आपको फिगर आउट करना है कि कौन से इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं, राइट. तो देखो मैं लिख देती हूँ इन करेक्ट सेंटेंसेस को, आप आइडेंटिफाई कीजिए. आइडेंटिफाई, सो वन ऑफ द जो हम बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस इज ऑफ बैप्टिस्ट मिनिस्टर डॉन पाइपर. इंसान है तो आप हु बोलोगे. हु अपीयर टू हैव मेट हिज अनफॉर्चुनेट डिमाइज मोर देन 20 ईयर्स अगो व्हेन अ 16 व्हीलर स्मैश इनटू हिज फोर्ड एस्कॉर्ट हेड ऑन. बाकी तो सही है. सो ए और बी में गलती है, मतलब ये दोनों ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए इज समथिंग यू विल चूज. सिमिलरली हियर आई विल जस्ट राइट इट डाउन, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेंटेंसेस. यप, ऑफ ऑल हिज फ्लाइंग मशीन दिस इज सिंगुलर वन ऑफ द वेरी लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग ड्रॉन लेस देन 10 ईयर्स प्रायर टू लियोनार्डोज डेथ. इट इज़ एक सिंगुलर चीज के, इस चीज़ को इट इज़ है ना, और एक ही चीज़ के बारे में हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं. इट इज़ ओनली वन ऑफ हिज डिज़ाइंस विच इज़ अ ट्रू ग्लाइडर. तो ये भी क्लियरली आगे सेंटेंस से पता चल रहा है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट शुड बी इट इज़ एंड शोज द बिगिनिंग ऑफ कंट्रोल. तो बाकी ठीक है, दैट मीन्स दिस. या सो अगेन आइडेंटिफाई इन करेक्ट सेंटेंस एवरी वन, रीड कर लो. पेपर मेकिंग इज वन ऑफ चाइनाज फोर एंशियंट ग्रेट इन्वेंशंस. इन द हैन डिनास्टी पीपल बिगैन टू यूज बैम्बू टू मेक पेपर विच वॉज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी. के एंड की जरूरत है, दो कनेक्टर्स किया तो विच यूज कर लो, या एंड है ना. सो विच सीम्स टू बी बेटर फॉर अस टू कीप देन एंड. सो ऐसे ही रखते हैं. सी में कुछ प्रॉब्लम है. वॉज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस. इवन नाउ इट इज़ यूज, है ना, इट इज़ अभी भी बैम्बू, इट रेफर्स टू बैम्बू. इवन नाउ इट इज़ यूज एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स इन पेपर मेकिंग. सी एंड डी, तो सी एंड डी का ये रहा.
correct. Okay, question number 33, everyone. Identify incorrect sentences. The cuisine served at our wedding was absolutely delicious. In the crowd were several food lovers who, with each bite, were more and more pleased that they had made the journey to Mexico. बहुत खुश थे कि चलो यार शादी में आया, इतना अच्छा खाना मिला. So only C में गलती है, तो option C. It is undeniable that among the most potent indicators of the state of any nation is the condition of its roads या it is roads. जल्दी बताओ. It's roads ना, not it is roads. It's. So एक तो ये होना चाहिए it's. So option B. अगर बी है तो शायद तो ये आंसर है. ये ऐसे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सीखो. नाउ यू नो द ड्रिल स्टूडेंट्स, है ना. आप बार बार मैं इनकरेक्ट मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ यू नो द ड्रिल कैसे करना है. दो आर कंट्रीज कंसिडर्ड फॉरमोस्ट अमंग द डेवलपिंग नेशंस आर रोड्स आर वर्स दैन कंपेरिजन. तो आप क्या वर्स है, अपनी रोड किससे वर्स है, दूसरे कंट्रीज से. तो भाई रोड और कंट्री का क्या कंपेरिजन है. आर रोड्स आर वर्स दैन रोड्स ऑफ या those of war ravaged nations, है ना. यहाँ पे than के बाद में हमको चाहिए those of war. War ravaged मतलब जिन countries में बहुत wars हुए हैं उनसे भी worse roads तो हमारी है. That's what is. So road को road के साथ compare करोगे, road को nation से country के साथ थोड़ा ना compare करोगे. So is also wrong. That means this is our correct answer. Now, the coroner was requested several times to summon the medical attendant as the jury were divided. देखो jury है collective noun. Jury मतलब jury में 10 लोग होंगे, 15, उनका एक opinion है कि verdict अलग अलग था. So when a collective noun is divided, आप उसको plural में use करते हो. Before I go ahead with this question, मैं आपको थोड़ा concept समझाना चाहती हूँ. Let's say the committee is, है ना, is कमिटी इज़ वेरी फेयर. इफ़ आई से क्रिकेट कमिटी इज़ वेरी फेयर. सो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. इफ़ आई से कमिटी इज और आर जनरली वेरी फेयर, हाउ एवर दिस टाइम गलत लिखा है मैंने. Time, committee is or are on sixes and sevens on the same, है ना. So sixes and sevens होना मतलब disagreement में. तो वैसे तो हमेशा अच्छे decisions लेती है काफ़ी, पर इस बार कुछ तो उनका confusion है. कुछ sixes and disagree कि दो लोग कुछ और बोल रहे हैं, आठ लोग कुछ और बोल रहे हैं. जब division हो गया तब मैं आर बोलूँगी. वैसे मैं इनको is बोलूँगी जब नॉर्मल बात कर रही हूँ. कमिटी collective noun. So committee is very fair, but this time committee are on sixes and sevens, right. So jury were divided, क्योंकि divided लिखा ही हुआ है. Regarding what verdict they should return, but he refused. He मतलब coroner की है तो ये तो ठीक है. So alleging that the magistrates had complained of the enormous complaint about the enormous money spent in expended in fees. So कहाँ कहाँ mistake है. B, C and E, which is option D here. क्वेश्चन नंबर 36 एवरीवन. क्या करना है यहाँ पे रीड कर लेते हैं. वी हैव टू चूज दैट इज आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर एंड यूसेज. सो लेट्स रीड. बिकॉज यू हैड लिव्ड इन इंडिया आई एसोसिएट. अभी देखो यहाँ पे टेंस पे थोड़ा फोकस करना व्हेन वी आर रीडिंग. बिकॉज यू हैड लिव्ड इन इंडिया आई एसोसिएटेड यू मोर विथ माई पेरेंट्स दैन विथ मी एंड यू वर अनलाइक माई कजन्स. तो ये तो पास्ट में, ये भी पास्ट में चलो चलेगा. हु सीम्ड, राइट, सीम्ड so innocent and obedient when I visited them. You were not curious about me in the least. ये भी past में कोई problem नहीं है. Although you did make effort to, what is make effort? You did make an effort. You made efforts to meet me. Generally efforts बोलते हैं, है ना. तो ये भी गलत है. So ये option A, B and E. So actually ये ऐसा होना चाहिए था. Yes, this should be this. ये printing error है. A, B and E. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37 स्टूडेंट्स. आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेंटेंसेस. शेरनोबिल
इज अ मोस्टली पीसफुल सेटलमेंट, 1000 ईयर से पीसफुल है. तो कोई चीज़ पहले से पास से प्रेजेंट में है, तो पास से प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन. लाइक वी हैव बीन स्टडिंग दिस टॉपिक फॉर लास्ट 1 आवर, हम एक घंटे से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. तो वी स्टार्टेड इन द पास्ट और प्रेजेंट में भी पीसफुल, प्रेजेंट में भी चल रही है चीज़ें, तो हैज़ बीन. तो ए में फॉर श्योर मिस्टेक है. एंड अ प्रीडोमिनेटली जूश टाउन फॉर द पास्ट 3 सेंचुरीज, फेमस फॉर इज डिनास्टी ऑफ हैज़िटिक सेजेस सिंस द रशियन रेवल्यूशन. देखो जब भी सिंस आता है पिक्चर में, जब भी सिंस लिखा होगा, उसका नेक्स्ट सेंटेंस हैज़ डन, हैव डन ऐसा होना चाहिए, हैज़ या हैव, हैड नहीं, प्रेजेंट टेंस आना ज़रूरी है. प्रेजेंट हैज़ या हैव, तो ये तो हैड हैज़, द ज्यूज हैव या हैज़, पास नहीं. या फिर सिंपली थिंड अ लॉट, तो ये तो ट्रूली रॉन्ग है. ठीक है. बट इवन टुडे देर आर 2 श्राइन्स टू दी हैज़िडिम वेयर वंस अ ईयर डिवोटीज कम टू लाइट कैंडल्स एंड प्रे, जहाँ पे लोग आते हैं और प्रे करते हैं. तो ए डी ई विच इज ऑप्शन डी. ओके 38, अगेन थोड़ा सा टेंस का ध्यान रखिए. She was right. I should not have cared about what other people had said. So she was right. I should not have cared, had said, but I did care. सब कुछ past tense में चल रहा है. चलो what they said was shocking. Was ही बोलेंगे जब सब कुछ past में. People felt free to say things to me. They would never have dared to say, not never dared. They would have never dared to say to her. To यहाँ पर to भी चाहिए आना चाहिए, तो ये भी गलत है. C and E कहाँ पे, ये रहा ऑप्शन डी. ओके लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 39. अब देखो जैसे आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है, वैसे ही विदाउट और इज अ पेयर. सो विदाउट अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फॉर मैनेजिंग और अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट चैनल्स बीइंग एब्सेंट. सो बी गलत है. बी कहाँ कहाँ पे, ये दोनों में है. इट बिकेम कॉमन फॉर पीजेंस टू एंड अप विथ नो लैंड टू फार्म, पैरलिज्म, नो इनकम स्ट्रीम टू सपोर्ट, नो लैंड टू फार्म, नो इनकम टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड नो जॉब स्किल्स टू कम्पीट. सो ऑप्शन डी सही स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है जैसा कि बाकी सेंटेंस में. सो बी एंड डी जो कि कहाँ पे, यहाँ पे. अब ठीक है क्वेश्चन नंबर 40 एवरीवन. In such societies, women were not taken seriously when it came to partaking in any activity that did not pertain to typical duties of the common housewife, such as cooking, cleaning, sewing, and taking care. Correct? Taking care of children. They were typically considered unsuitable for and incapable of. Right? So, got it? यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान से रीड करना पड़ेगा बिकॉज राइट एंटायर सेंटेंस इज इनकरेक्ट एक्चुअली. सो हिज मदर मेड ग्रेट सैक्रिफाइसेस टू एजुकेट हिम, मूविंग हाउसेस बहुत क्या क्या किया, मूविंग हाउसेस ऑन 3 ओकेजन्स एंड वर्ब 1 एंड सीवियरिंग. सो सीवियरिंग नॉट सीवियर्ड. हाँ यहाँ पे थोड़ा वैसे मिसप्रिंट, पर ठीक है आप ध्यान से रीड कर सकते हो मेरे साथ ना. अगर आप ए और डी को थोड़ा सा कंपेयर करो तो क्या डिफरेंस है, हिम अंडरस्टैंड या देम अंडरस्टैंड, हु किसको समझाने के लिए वो इतने स्ट्रगल कर रही थी, मेंसियस को समझाने के लिए. सो मेंसियस इज हिम नॉट देम. Question number 42 everyone. The type of vegetation near water bodies depends on the soil of the water body, what the purity of the water is, and location of the water body. Right? A, B, and C. 3 things. So it depends on the soil of the, purity of the, location of the. Right? A, 1, 2, 3. Right? Like that. Depends on the soil of the water body. Yahan pe sab kuch parallel hai. Purity of the and location of the, right, of the water body. ठीक है. It depends on soil of the water body, waters, the purity of the water, of the सब में चाहिए, तो ये गलत हो रहा है. यहाँ पे its location, location of the water body, so ये भी गलत है. Now A, B में क्या difference है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं. Right? So depends on the soil of the water body,
राइट, व्हाट द प्योरिटी, अभी क्वेश्चन फॉर्म में है, बाकी तो क्वेश्चन फॉर्म में है नहीं, सो अपना बचता है ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 53, अ लिटरेरी सेंसेशन और अ लिटरेचर सेंसेशन. लिटरेरी सेंसेशन इज व्हाट वी से, नॉट लिटरेचर. सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गोज अवे. वी नीड लिटरेरी सेंसेशन. लेट्स कंपेयर फर्दर. बेस्ट सेलर दिस ब्रिलियंट डेब्यू नॉवल्स टेल्स विद सीमलेस ऑथेंटिसिटी एंड लिरिक्स दैट आर एक्सक्विजिट. सीमलेस ऑथेंटिसिटी एंड एक्सक्विजिट लिरिसिज्म, तो ये एक फ़र्क है. लिरिक्स दैट आर एक्सक्विजिट या एक्सक्विजिट लिरिसिज्म. सो पैरेलल देखो, एंड से कनेक्ट कर रहे हैं कुछ हम. ऑथेंटिसिटी कैसी है, पूरी बुक, बुक थ्रू आउट, स्टार्ट फर्स्ट पेज टू एंड पेज ऑथेंटिक रियल लग रही है. और वर्डिंग्स कैसे हैं, बहुत अच्छे वर्डिंग्स हैं, नया कुछ पढ़ने मिल रहा है. सो एक्सक्विजिट लिरिसिज्म, सीमलेस ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी कैसी है, सीमलेस है. सो डी ऑप्शन इज पैरेलल, वेयर इज ए इज नॉट. Thank you so much everyone for attending this session. I'll see you tomorrow at the same time with a new topic. Bye bye.